Let's start. So we have done till up till here. Let me show you here we have done. Hello Manjot. Hello Sunny. कोई क्वेश्चन है बेटा तो पूछ लो अभी. हाँ यस शिवो पूछो बेटा. ऑल क्लियर गुड. ओके ओके कोई बात नहीं ममता. हेलो अरमान अमन हृतिक ठीक है हरमन हरसिमरन अमन गरिमा एक्सीड सेट. बेटा एक क्यूब सेट आई थिंक एक तरह का ना कलाम सेट ये सारे ना अब नई तकनीक ये जो आगे मैंने यहाँ पे लिखे हुए शायद एक्सीड सेट के बारे में सीरीज मिशन दिस इज दैट जियोटेल एक्सीड सेट या दिस इज एक्सीड सेट. तो ये पर्पस बेटा ये होता है देखो कि अब हम डिजाइन कर सकते हैं. सैटेलाइट बनाना भी अपने आप में एक कला है ठीक है शिवम. तो वो अगर आपको पता चल जाता है कि कैसे बनाते हैं क्या क्या होता है उसमें पता इसमें जीरो आपको रखना पड़ता है क्या कहते हैं पूरा जैसे आप पीपीई किट डालते होते थे जब कोरोना हुआ है तो उसी तरह के कपड़े कुछ डाल के और जीरो एनवायरमेंट में आपको कोई वहां पे कण नहीं आना चाहिए कोई बाहर की हवा नहीं आनी चाहिए प्रॉपर जो है ना नेगेटिव एनवायरमेंट में नेगेटिव इन द सेंस नेगेटिव होता है जीरो के नीचे वाला जो एनवायरमेंट होता है तो नेगेटिव प्रेशर एनवायरमेंट में आपको ये सारा कुछ बनाना पड़ता है सैटेलाइट के बारे में ठीक है. तो उसके एक एक कंपोनेंट ताकि कोई यहां से कोई हम ऐसे जीव ना भेज दें वहां पे जर्म ना भेज दें यहाँ पे सेल ना भेज दें. आज हम पढ़ेंगे सेल के बारे में भी बायोलॉजी स्टार्ट करनी आज हमने. तो वैसे कोई हम इम्प्योरिटीज ना भेज दे मून पे ठीक है ना जाके. हाँ तो इसीलिए वो एक एक तरह का हमने टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटेड होता है हमारे के लिए डेमोन्स्ट्रेटर ठीक है ना. तो एक्सीड सेट है जो पहला प्राइवेटली बिल्ड है ये क्यूब सेट है मतलब बहुत छोटा है और 1 kg से मतलब इसका वेट कम होता है ठीक है. इसको जनरली अगर हम सनसिंक्रोनस में भेजेंगे तो रिमोट सेंसिंग के लिए भेजेंगे बेटा. कई बार क्या होती है कि अगर बहुत ज्यादा सैटेलाइट भेज दो आप सनसिंक्रोनस में ठीक है ना तो क्या कहते हैं उसमें आप वो भी कर सकते हो कम्युनिकेशन. देखो कम्युनिकेशन के लिए मैंने आपको बताया था कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होते हैं मोस्टली ठीक है ना. बट उनका भी अपना कोई प्रोज है और कॉन्स है. मैंने आपको बताया थे लेटेंसी होती है सिग्नल डिले होता है और सिग्नल की क्वालिटी तो अच्छी होती है लेकिन डिले जरूर होता है ठीक है ना. जैसे अभी यहाँ पे और यूट्यूब पे है. प्रॉब्लम क्या होती है जब आता है हमारा क्या कहते हैं कनेक्टिविटी की. कनेक्टिविटी तो 24 आवर रहेगी क्योंकि अगर जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में कोई भी सैटेलाइट घूम रहा है तो उसकी जो क्या कहते हैं कनेक्टिविटी है वो प्रॉपर रहेगी. प्रॉब्लम कहाँ पे आती है. प्रॉब्लम आती है कि भाई जब हमारे पास क्योंकि बड़े जब भी जो जियो स्टेशनरी की बात करते हैं तो बड़े व्हीकल की जरूरत पड़ती है GSLV की तरह. तो ये 4-5 साल में एक बार होता है ठीक है ना. तो अगर हम एक्सीड सैट की बात करें या ऐसे कम्युनिकेशन ऐसे सैटेलाइट्स की बात करें जो हम लो अर्थ ऑर्बिट्स में भेज रहे हैं या सनसिंक्रोनस ऑर्बिट्स में भेज रहे हैं तो उसका कोई इशू नहीं है. जल्दी पहुंच जाता है PSLV अरेंज हो जाता है और अब तो हमने जल्दी से जल्दी वो भी कर देना SSLV भी शुरू कर दिया है ना. तो 3 दिन में अरेंज कर सकते हैं. तो सैटेलाइट भेज दिया आप इतने सैटेलाइट मतलब अब एक बात आ रही है आगे हम पढ़ेंगे भी आज जाके उसका नाम है स्पेस बेस्ड सैटेलाइट ठीक है. तो स्पेस बेस्ड इंटरनेट स्पेस बेस्ड इंटरनेट स्पेस एक्स का ही एक इनिशिएटिव है. स्पेस एक्स ने एक नया का प्रोग्राम बनाया जिसका नाम है स्पेस एक्स के द्वारा बनाया स्पेस बेस्ड इंटरनेट स्पेस बेस्ड इंटरनेट ठीक है जी. अब ये क्या चीज है ये क्या है कि भाई अब बहुत सारे ना पोलर सनसिंक्रोनस ऑर्बिट्स में कम से कम हर एक एंगल पे इन्होंने एक फेंक देना ठीक है ना. क्यूब सैट बहुत छोटे छोटे सैटेलाइट है जिनका वेटेज 1 kg से भी कम होगा क्यूब सैट. अब ये क्या करेंगे ये आपको इंटरनेट प्रोवाइड करेंगे 24/7 क्योंकि ये लो अर्थ ऑर्बिट्स में है तो बहुत कम डिस्टेंस कर्व करेंगे इनकी ऑर्बिटल वेलोसिटी बहुत तेज होगी तो बहुत ज्यादा भेजने पड़ेंगे हमें ठीक है ना ताकि हम इंटरनेट कवरेज कर पाए रिमोट एरियाज में भी ठीक है जी. सिमिलरली द फेसबुक इज ऑल्सो ट्राइंग टू यू नो डू दिस ठीक है ना. वो किसी और तरीके से करना चाह रहा है ठीक है. तो ये सारी चीजें होती हैं एक्सीड सेट का
मेन जो पर्पस है वो यही है, टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटेड, कि प्राइवेट सेक्टर भी हमारा बना सकता है। ये भी बहुत तगड़ी इंडस्ट्री है बेटा। चलो वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग नाउ। तो वी हैव डन ग्रेविटेशनल वेव्स, वी हैव डन लीगो आल्सो। किसी बच्चे ने कल पूछा था व्हाट इज सर इंडिया लीगो का क्या पर्पस है। इंडिया लीगो बेटा कुछ नहीं है, इंडिया लीगो का मतलब है कि भाई इंडिया में भी लीगो एक्सपेरिमेंट हुआ करेगा बेटा। जैसे अब रेडियो ऑपरेटर्स होते हैं ना, रेडियो ऑपरेटर्स मतलब जैसे कम्युनिटी बेस्ड रेडियो होता है, ठीक है। तो अगर आप गांव में रहते हो तो गांव में कोई सूचना देनी है, गांव में कोई चीज हो गई है, गांव में कोई इकट्ठा करना है, इकट्ठ करना है कोई मतलब है ना, तो उसके लिए जब आपको रेडियो ऑपरेशन करना पड़ता है तो उसको बोलते हैं अमेच्योर रेडियो ऑपरेटर्स, ठीक है ना। ये एक एग्जाम्पल है, बहुत बड़ा होता है अमेच्योर। आप सेट उसमें भी कर सकते हो, क्या कहते हैं, यूनिवर्सिटी बेस्ड रेडियो भी होता है, जो यूनिवर्सिटी के क्या क्या एक्टिविटीज है, कौन कौन सा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज चल रही है। तो एक तरह अब जो पुराने टाइम पे नोटिस बोर्ड का काम होता था, अब वो यूनिवर्सिटी रेडियो ने ले लिया। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी का अपना रेडियो स्टेशन है, ठीक है ना, उसमें वो गाने भी चलाते हैं, उसमें वो प्रोफेसर के जो है वो इम्पोर्टेंट टास्क भी बताते हैं, कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक मर्जिंग इशू है उस पे जो क्या है वो बताते हैं। मर्जर्स ऑफ द स्टार्स, स्टार्स नहीं होता, मर्जर्स ऑफ द ब्लैक होल होता है। जब स्टार्स भी मर्ज करते हैं तो वो बेसिकली न्यूट्रिनो स्टार्स होते हैं, या मैग्नेटार्स जिसको बोलते हैं हम, तो वो बहुत बड़े होते हैं, बहुत ज्यादा उनका वेट होता है, सन के 1000 से 2000 मतलब 1000 और करोड़ गुना ज्यादा वेट होना उनका होता है। जब वो मर्ज करते हैं वो बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव सुपरनोवा इवेंट होता है। सॉरी, ये एक्सीड सेट में कैसे यूज होगा। तो एक्सीड सेट में बेटा देखो, एक्सीड सेट में अगर ट्रांसपोंडर ला दो KU बैंड में तो वो भी ट्रांसमिट करेगा कम्युनिकेशंस, ठीक है ना। तो KU बैंड ये थोड़ा कि सिर्फ 36,000 किलोमीटर के ऊपर चलते हैं और 800 किलोमीटर के ऊपर चलते नहीं है, नहीं ऐसी बात नहीं है। उनका कवरेज इस क्षेत्र बहुत कम होगा, ठीक है, वो जल्दी एक जगह से दूसरी जगह चल जाएगी। लेकिन सोचो अगर कोई एक सैटेलाइट जो एक्सीड सैट है, सपोज इसके जैसे आपने 50-60 बना ली है, छोटे सैटेलाइट है, तो आपको मतलब बनाने में भी अगर आपकी महारत है तो आप 60 kg का टोटल वेट बना दिया आपने, 60 अगर आपने ऊपर भेजने हैं तो 60 को आपने इस तरह से फेंकना है कि एक जब दिल्ली के ऊपर से पार करेगा ना, ठीक है ना, अगर उसका दिल्ली के ऊपर 1 घंटा रुकता है, ठीक है ना, तो दिल्ली के बाद उसके बाद 24 आपको 24 भेजने पड़ेंगे उसके ऊपर। कैसे भेजने पड़ेंगे, जब 12 बजे सपोज एक सैटेलाइट कवरेज दे रहा है दिल्ली के ऊपर, उसके बाद वो निकल के आगे, उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा वो 1 घंटा कवरेज देगा, उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा वो 1 घंटा कवरेज देगा, एक नेक्स्ट आ जाएगा, फिर ऐसे करके 24 आपको देने पड़ेंगे। सपोज जिसका अगर मैं मानता हूं कि वो 1 घंटा दिल्ली के ऊपर रुकता है, तो आपको 24 एक्सीड सैट जैसे क्यूब सैट चाहिए होंगे ट्रांसपोर्टर वाले, जो कि ये आपको कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रहा है 24/7, ठीक है जी बेटा। एक्सीड सेट, सो वी हैव डन लीगो एज वेल। तो लीगो से हमें पता चला था कि भाई बेसिकली ग्रेविटेशनल वेव क्या होती है, ठीक है जी, ग्रेविटेशनल वेव का संदर्भ क्या होता है, ठीक है जी। ये हमने कर लिया था इंडिगो, जब हमने कहा था कि ये इंडिया में भी चेक किया जाएगा। मैंने आपको ऑलरेडी बताया इस तरह की दो फैसिलिटीज हैं हमारे पास ऑलरेडी, ठीक है, कहाँ कहाँ पे है। एक तो है हमारे पास, दो तो है हमारे पास सीधी की सीधी, सॉरी सॉरी, तो एक तो आपके पास सीधे, दो हमारे पास अमेरिका में है। अब ये तीसरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो इंडिया के साथ करने हैं, क्योंकि क्योंकि ये देखो बेटा कल्ला ये तो है नहीं कि यूएसए में ही ग्रेविटेशनल वेव आएगा, हो सकता है कि इंडिया में आके चला भी जाए और हमें पता ना लगे, ठीक है ना। तो हम जितना ज्यादा डाइवर्स करना चाहेंगे इंडिगो को मतलब लीगो को, उससे हमें ज्यादा पता चलेगा। और इसकी एप्लीकेशन कल ही बताई थी मैंने आपको ग्रेविटेशनल वेव की, क्योंकि बेटा वी आर स्पेस फेयरिंग सिविलाइजेशन, तो हमें सिर्फ यहीं पे धरती पे नहीं रहना, हमें मार्स पे भी जाना है और मार्स के आगे भी जाना है सपोज, है ना। तो आज हम जैसे ग्लोबल मिशंस करेंगे, वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2, ठीक है ना, तो वो ऐसे मिशन है बेटा कि जो 1970 के दशक से चलते आ रहे हैं, और वो अब जाके वो रॉकेट्स हीलियोस्फीयर की बाउंड्री के पार पहुंचे। आज मैं बताऊंगा क्या होता है हीलियोस्फीयर। तो इतनी दूर से उनको कम्युनिकेशन करने में हमारे को जैसे 17 घंटे लगते हैं, यानी कि वो अगर हाई लिख के भेजेंगे ना इतनी दूर से, ठीक है ना, इतनी दूर है वो कि भाई उनको हमारे उनका हाई भी हमारे तक पहुंचने के लिए 17 घंटे लगते हैं, और अगर हम 17 घंटे हम उनको हाई लिख के भेजेंगे तो 37 और 17 घंटे लगा लो,
तो दिस इज द, ठीक है ना। तो अगर हमारे पास कुछ ऐसा एप्लीकेशन है, ऐसा कोई मशीन है, अगर हम उन सैटेलाइट में डाल दें वो मशीन, और वो ग्रेविटेशनल वेव जनरेट करे, और वो ग्रेविटेशनल वेव जनरेट करती है जो, वो हमारे तक पहुंचेगी, तो वो स्पीड ऑफ लाइट से पहुंचेगी, क्योंकि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की तरह ही काम करेगी, वो क्योंकि स्पेस के थ्रू ट्रेवल करती है। चलेंगे आप? तो वो हमारे को, क्योंकि एक तरह का क्या है, वो एक तरह का मैसेंजर होएगी जो हमारे को हाई लेके आएगा हमारे तरफ से, है ना। तो ये चीज होती है। तो ग्रेविटेशनल वेव्स बहुत ज्यादा जल्दी ट्रेवल करती है, बहुत तेजी से ट्रेवल करती है, ठीक है। तो हम उनका एप्लीकेशन के हिसाब से पहले उनको बेसिक्स तो समझना पड़ेगा। जैसे अगर इफ आई डिडंट टेल यू व्हाट इज इंटरफेरेंस, है ना, या इफ इफ आई डिडंट मैं आपको अगर डाइफ्रेक्शन ना कराता या इंटरफेरेंस ना कराता, डिड यू अप्रिशिएट व्हाट इज लीगो, और कहाँ पे इसका यूज हो रहा है, क्यों यूज हो रहा है इसका। अगर मैं रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन कहता, जी ये तो आपने बचपन में पढ़ा है, अब मैं ये क्यों करवाऊँ, ठीक है ना। तो कैन यू अप्रिशिएट क्यों वो रिफ्रैक्शन के जितने सारे फिनोमिनास पड़े हैं, क्या डिड यू अप्रिशिएट, कैन यू अप्रिशिएट दैट, तो वो नहीं कर पाते हैं। तो आपको पहले बेसिक्स बनाना पड़ता है, बेसिक्स के बाद उसकी आप एप्लीकेशन सोचते, अच्छा यार इससे तो मैं ये भी काम करवा सकता हूँ, इससे मैं ये भी काम कर सकता हूँ। तो ये एप्लीकेशन है, दैट्स व्हाई इसरो इज डाइवर्सिफाइंग इटसेल्फ, ठीक है ना। तो स्पेस डिप्लोमेसी भी कल हम पढ़ के आए थे, वही जो ये वाला जो न्यूज कल का हमने पढ़ी थी। ठीक है जी। सो व्हाट इज नाउ ग्रेविटेशनल लेंसिंग, और इसका क्या कंसेप्ट है। ग्रेविटेशनल लेंसिंग न्यूज में थी क्योंकि नासा ने अभी प्लान किया है कि हम ग्रेविटेशनल यूज लेंसिंग का यूज करेंगे रिसर्च में। अब एक चीज बताओ मेरे को, अगर मैं किसी स्टार को देख रहा हूं, मेरे को इतनी गैलेक्सीज, मैं इतनी सारी गैलेक्सीज को देख रहा हूं, क्या चीज चाहिए मेरे को मैं उनको देख पाऊं, सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है। ऑफकोर्स टेलीस्कोप, टेलीस्कोप नो, दैट इज नॉट द इम्पोर्टेंट थिंग, द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज लाइट इटसेल्फ, सोर्स ऑफ लाइट। इफ देयर इज नो लाइट कमिंग फ्रॉम एनीबडी एनीवेयर, यू कैन नॉट सी एनीथिंग। द फर्स्ट प्रिंसिपल टू सी एवरीथिंग इज यू हैव टू हैव ए ल्यूमिनेसेंट सोर्स। ओके, तो ल्यूमिनेसेंट सोर्स क्या होता है कि पहले तो लाइट आएगी कहीं से। सपोज मैं एक चीज देख रहा हूं और मैं वो सोर्स ऑफ लाइट चाहिए, यस मेरे को सोर्स ऑफ लाइट चाहिए, एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट देख रहा हूँ मैं सिर्फ। और आज तक जितनी भी साइंस या एस्ट्रोनॉमिकल डिस्कवरीज हुई हैं वो इसी के लिए हो पा रही है, क्योंकि एक लाइट आ रही है, एक किससे आ रही है, सोर्स ऑफ लाइट से, ठीक है ना। एक सोर्स ऑफ लाइट हमें जरूर चाहिए, एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हमें जरूर चाहिए। अगर हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो वी विल नॉट सी एनीथिंग, ठीक है ना। तो आज के जो टेलीस्कोप है, देखो बेटा इतनी दूर से लाइट आ रही है, कितने टाइम कितने लाइट ईयर्स को ट्रेवल करके आ रही है, तो हमारे पास उतना बहुत देर बाद पहुंचती है, या हमारी अभी इतनी रेजोल्यूशन नहीं है हमारे पास कि हम उसको देख पाए। कभी आप टेलीस्कोप को अगर आप देखते हो, जो वो फोटो निकालती है वो बहुत धीमी होती है, बहुत छोटी महीन होती है। सपोज मैं अल्फा सेंटोरी की फोटो खींच रहा हूँ, दैट इज द लीनियर स्टार, ठीक है ना, जो सबसे नियरेस्ट स्टार है, दैट इज 4.1 लाइट ईयर्स अवे, ठीक है जी। लाइट ईयर्स इज, वन लाइट ईयर इज द टाइम या डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन वन ईयर, ठीक है। तो इतना ज्यादा डिस्टेंस वो, दैट मल्टीप्लाई बाय 4.1 लाइट ईयर्स, एक लाइट ईयर को मल्टीप्लाई बाय करना 4 ईयर, है ना। तो अभी मैंने आपको बताया कि हमने जो सबसे लेटेस्ट, जब हमने 50 साल पहले एक वो सैटेलाइट भेजा था, उसका नाम है वॉयर 1, वॉयर 2, ठीक है ना, वॉयर मिशन जिसको बोलते हैं, नासा ने भेजा था 1970 में। आज उसको हमारे से कम्युनिकेट करने में 17 घंटे लगते, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इतने सालों में सिर्फ हम 17 घंटे दिन जितना, मतलब लाइट को पहुंचने में वहां पे 17 घंटे लगते हैं, सोचो वहां तक। तो सोचो 1 साल में तो अभी बात ही नहीं हुई हुई, इतनी टेक्नोलॉजी नहीं हमारी डेवलप हुई कि 4.1 मिलियन ईयर्स तक वहां, मतलब डिस्टेंस हम ट्रेवल कर पाए, ठीक है ना। दिस इज द एक्चुअल मैग्नीट्यूड ऑफ थिंग्स। ओके, सो मूविंग ऑन, क्या न्यूज है कि नासा इज यूजिंग जेम्स वेब टेलीस्कोप, स्पेस टेलीस्कोप, टू कंडक्ट वाइड रेंज ऑफ इन्वेस्टिगेशन अक्रॉस द फील्ड ऑफ एस्ट्रोनॉमी एंड कॉस्मोलॉजी, ठीक है जी। इससे हमें पता चलेगा कि नए स्टार्स कैसे बॉर्न होते हैं और क्या चीज होती है जो उनको रिलेट करती है, उनको बॉर्न करने में हेल्प करती है। हेलो अमृतपाल कौर,
ठीक है जी। तो एक नेचुरल फिनोमिना है हमारे पास, ये कोई नई चीज नहीं है। आपको जैसे पता है कि हम लेंसेस पढ़ के आए थे ऑप्टिक्स में, तो लेंस हमने जब पढ़ा था तो हमने कहा था एक लाइट ऑब्जेक्ट यहाँ पे है भाई, उसकी लाइट रे यहाँ पे आएगी, वो इसको बेंड करेगा, है ना, समझ रहे हो, और यहाँ पे ऐसे जाएगी तो यहाँ पे उसकी इमेज बन जाएगी। याद है ये कुछ ऐसे करके हमने पढ़ा था। ये कौन सा लेंस है, डाइवर्जिंग है कि कन्वर्जिंग है, बताइए। कन्वर्जिंग। तो ये लेंस है, ये लेंस की तरह एक्ट कर रहा है। ये सोचो यही कोई ग्रेविटेशन ऑब्जेक्ट हो कोई, जिसका इतना बड़ा जो लाइट को भी बेंड कर पाए अपने अराउंड, क्योंकि मैंने आपको बताया जितना ज्यादा मास होगा एक ऑब्जेक्ट का उतनी ज्यादा लाइट बेंड होगी। मैंने आपको बताया था कि आपने अगर कल भी एक वो वीडियो देखी थी जो ब्लैक होल्स की थी, तो उसके अराउंड जब वो आगे जा रही होती है तो उसके लाइट अराउंड जो अराउंड में ना लाइट कर्व हो रही होती है ऐसे करके, ठीक है ना, लाइट कर्व हो रही होती है। मैंने आपको बताया था दो मॉडल्स होते हैं ऑप्टिक्स के या लाइट के, लाइट के दो मॉडल्स है, एक है रे मॉडल और एक है वेव मॉडल, ठीक है ना, याद है, पार्टिकल मॉडल और वेव मॉडल, है ना। जो रे मॉडल है वो मान के चलता है कि ये लाइट है वो बिल्कुल सीधी है, ये कभी बेंड नहीं हो सकती, जो बेंड होएगी वो एपरेंट बेंडिंग होएगी, और एपरेंट बेंडिंग का नाम है रिफ्रैक्शन। आर यू गेटिंग दिस, रिफ्रैक्शन इज द एपरेंट बेंडिंग, रिफ्रैक्शन जो हमने पढ़ी थी वो एक्चुअल में बेंड नहीं होती। याद रखो वो एग्जांपल, जब पानी में उंगली डाली थी और उंगली टेढ़ी लग रही थी आपको, तो वो आपके आंखों का धोखा है, एक्चुअल में उंगली टेढ़ी नहीं है। अगर एक्चुअल में उंगली टेढ़ी हो गई तो दैट मीन्स इतनी लाइट आ रही है कि वो बेंड हो रही है, ऐसा ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। तो मोस्टली बहुत ज्यादा जिनका भार होता है, जैसे कि जब 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 कोई मैग्नेटार्स होते हैं, पल्सर्स होते हैं, न्यूट्रॉनों न्यूट्रॉन स्टार्स होते हैं, ये पढ़ेंगे बाद में, अभी नहीं, ये बहुत भारी भरकम, यस, तो भारी भरकम उनका वेट होता है, ठीक है ना। तो वो लाइट जो उनको पास करती है वो बेंड हो जाएगी, ठीक है ना। तो हमने ऐसे ऑब्जेक्ट ढूंढने हैं, और वहां से जो उसके इतनी दूर से जो लाइट आ रही है, लेट मी शो यू अ पिक्चर। तो ये देखो, तो ये आप देख रहे हो, ये अर्थ है, इसने भी थोड़ा सा यहाँ पे बेंड किया, और ये जो नीचे आपको लग रहा है ना ये बनाया हुआ, ये स्पेस है सारे का सारा, ये वाला, दिस इज ऑल इज स्पेस। आर यू गेटिंग दिस, ये सारा स्पेस है, ठीक है। तो क्योंकि अब जितने मर्जी लेंस लगा लो, ऑप्टिकल लेंस लगा लो, हम इतनी ज्यादा टेलीस्कोप, बड़ी टेलीस्कोप नहीं बना सकते हैं कि इतनी दूर जो गैलेक्सी हमारे से 15,000 या 16,000 लाइट ईयर्स दूर है उसकी फोटो खींच सके, ठीक है ना, ओके, या उसमें जो स्टार्स है उसकी फोटो खींच सके। सोचो यहां से लाइट रेज आ रही है, ये गैलेक्सी बहुत दूर है अर्थ से, ये वाली गैलेक्सी, ठीक है ना, ये वाली गैलेक्सी बहुत दूर है, और ये लाइट रेज फेंक रही है हर तरफ को, ठीक है ना, क्योंकि ये अब ये सन है हमारा, ठीक है, और इसके राउंड बहुत और ज्यादा, इसके इसके और इस गैलेक्सी में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हुए हैं, बहुत सारे ब्लैक होल्स है, ठीक है, कोई बात नहीं अमरजीत सिंह कौर, तो बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स है, वो क्या करेंगे, स्पेस को बेंड करेंगे अपने राउंड। जब वो स्पेड को बेंड करेंगे तो यहां से जो लाइट रे आ रही है वो आपकी अर्थ में फोकस हो जाएगी। ये देखो बेंड हो रही लाइट रेस, ये देखो ये बेंड हो रही है, ये भी बेंड हो रही है, और बस ये है कि भाई इस पोजीशन को देखना, उस टाइम पे देखना, और ये बहुत ज्यादा मतलब कैलकुलेटेड कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं। क्यों? क्योंकि अर्थ का जब रोटेट कर रही है तो एक टाइम पे मतलब 24 घंटे में तो सारा घूम लेती है ना, तो अब इसकी पोजीशन भी तो चेंज हो रही है अर्थ की हर बार में, और ये फोकस बिल्कुल बहुत कम टाइम पे रहेगा, ठीक है ना। तो इसीलिए जो नासा ने ये वाला सिस्टम उठाया है, अब ये वाला सिस्टम, तो ये बड़ा कैलकुलेशन करनी हो जाती है, बहुत ज्यादा कैलकुलेटेड होता है। तो ये इसकी पिक्चर जो यहाँ पे अर्थ में बन रही है बहुत कम टाइम पे बन रही है, ये सारा कुछ कैलकुलेशन करना, ये कैलकुलेशन करने का नाम को क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल लेंसिंग कंसेप्ट। अब क्या होगी, जो लाइट रे यहां से आ रही है वो अर्थ तक अच्छी से पहुंच पाएंगे, ठीक है ना, डन। तो हम देख पाएंगे कि यहाँ पे ये गैलेक्सी है, तो यहाँ पे जो भी स्टार्स हैं वो कैसे बन रहे हैं, उसकी पिक्चर जो बनेगी वो बहुत अच्छी बनती है। याद करो जब आप, मैंने आपको एक मैग्नीफाइंग ग्लास के बारे में बताया था, याद है, जब वो स्केल के राउंड आपके, कई बार जो नए स्केल पुराने स्केल लेते थे आप, जब आप बच्चे होते थे तो स्केल के राउंड में ना एंड में वो एक ग्लास लगा होता था, ठीक है ना, वो उसको लेंस बोलते हैं, ठीक है ना। तो वो लेंस से जब आप आगे करते थे तो आपको वो चीजें बड़ी बड़ी दिखती थी, समझ रहे हो, वही कंसेप्ट यहाँ पे लग रहा है।
तो आपको इसके इस रेस के फोकस में आना पड़ेगा। याद है, तो हमने पढ़ा था कि एक ये ऐसे करके एक शीशा होता है, ये लेंस होता है, ये उसका फोकस है। जहां पे फोकस में बनेगा तो ऑब्जेक्ट की इमेज बहुत लार्ज बनेगी, ठीक है ना। जब ये फोकस पे इमेज होएगी तो ऑब्जेक्ट की इमेज बहुत लार्ज बनेगी, लार्ज एंड मैग्निफाइड इमेज, ठीक है। लेकिन अगर ये फोकस से दूर हो जाएगा तो ऑब्जेक्ट छोटा 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 दिखेगा। ये मैंने आपको फोटो भी दिखाई थी, नहीं दिखाई, नहीं आपको याद आ रहा तो यू कैन ऑलवेज कंसल्ट द लेक्चर। उसमें मैंने आपको दिखाया था कि एक जो आप मैग्निफाइड ग्लास का को देख लो, अगर आप मैग्निफाइड ग्लास को दूर ले जाओगे, क्या अभी भी आपको ऑब्जेक्ट दिखेगा वैसे ही? नहीं। तो आपको एक एंगल पे करना पड़ेगा मैग्निफाइंग ग्लास को, और आपको आगे झुकना पड़ेगा ताकि आपका आईज का फोकस उसके फोकस के साथ मिले, ठीक है ना। तो सेम कंसेप्ट यहाँ पे लग रहा है बेटा। इसको बोलते हैं, इस चीज को बोलते हैं हम ग्रेविटेशनल लेंसिंग कंसेप्ट, लेंसिंग, ठीक है ना। लेंस बना दिया जाता है। तो ये लेंस का क्या है कि ऑलरेडी ये नेचुरल फिनोमिना, बेंडिंग ऑफ द लाइट इज ए नेचुरल फिनोमिना। तो लाइट यहां से आ रही है आपको अर्थ में, और वहां पे जहां पे ये डिटेक्ट होने के सैटेलाइट, सॉरी, डिटेक्ट होने के लिए हमारे पास एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरीज है, वो वहां पे होनी चाहिए, उस टाइम पे होनी चाहिए, ताकि वहां पे आप बेंडिंग ऑफ ये लाइट को आप ऑब्जर्व कर पा रहे और अच्छी सी फोटो बना पाओ, ठीक है जी। चले आगे। ये कंसेप्ट का नाम है ग्रेविटेशनल लेंसिंग कंसेप्ट, और ये जो है इस प्रोग्राम का नाम रखा है नासा ने, टेम्पलेट्स, ठीक है। ये टेम्पलेट्स आपको कई बार पूछा भी जा सकता है कि रिसेंटली टेम्पलेट्स वाज इन न्यूज, ठीक है ना। द वर्ड टेम्पलेट्स वाज इन न्यूज विद रिस्पेक्ट टू विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स, ठीक है जी। तो वो बोलेंगे ब्लैक होल्स, वो बोलेंगे ग्रेविटेशनल लेंसिंग, वो ऐसे करके ऑप्शंस में देखेंगे। तो ये आजकल चेक करते हैं, इसका पूरा नाम क्या है, टारगेटिंग एक्सट्रीमली मैग्निफाइड पैनक्रोमेटिक लेंसिंग आर्स एंड देयर एक्सटेंडेड स्टार फॉर्मेशन, ठीक है जी। ये हम क्यों कर रहे हैं, टू इन्वेस्टिगेट हाउ न्यू स्टार्स आर बॉर्न, कैसे नए स्टार्स बनते हैं, उनके लिए क्या चीजें नेसेसरी होती हैं, ये सारा कुछ करने के लिए हमारे पास ये वाला कंसेप्ट होना बहुत जरूरी है। लेट मी रिमूव इट ताकि आप इसकी स्क्रीनशॉट ले आओ, ठीक है, ले लो इसकी स्क्रीनशॉट। अरे बेटा, ये नए कटिंग एज टेक्नोलॉजीज हैं, इंडिया तो अभी थोड़ा पीछे है इन सब में से। व्हाट इज ग्रेविटेशनल लेंसिंग, आपको बताया, ठीक है। व्हेन अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मैटर, मैटर का मतलब बहुत ज्यादा, जब भारी कोई चीज होएगी, या मैसिव गैलेक्सी होएगी, या क्लस्टर ऑफ द गैलेक्सी होएगी, या ब्लैक होल होएगी, तो वो ग्रेविटेशनल फील्ड को इतना डिस्टॉर्ट एंड मैग्निफाई कर देगी। मैंने कल आपको वीडियो भी दिखाई थी, एक वो जब ब्लैक होल है तो वो उसके साथ में जो लाइट आ रही है वो इतनी बैंड हो जाएगी, ठीक है ना। द लाइट दैट मैग्निफाई कर देगी, लाइट कमिंग फ्रॉम द बिहाइंड दैट ऑब्जेक्ट। तो अगर मैं ये सारे ऑब्जेक्ट है, जैसे सन है, सन के पीछे जो ये स्टार्स है, गैलेक्सीज है, और एंड में जो हमने गैलेक्सीज देखनी, वहां से जो लाइट आ रही है, ठीक है ना, जब लाइट यहाँ पे इनको पास करेगी तो इतनी ज्यादा ये भारी भरकम बॉडीज है कि ये लाइट को बेंड कर देगी और मैग्निफाई कर देगी, याद है। और जब इनका, जब प्रतिबिंब है, जो इनका रिफ्लेक्शन है, ये रिफ्रैक्शन है, वो पड़ेगा फोकस पे, अर्थ पे, ठीक है ना, तो ये मैग्निफाइड इमेज बनेगी। यस 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 यस, लाइट्स वाला टाइप, ठीक है जी। तो लार्ज, ये देख लेना, 50 टाइम्स मोर मैग्निफाइड इमेज बनेगी जब आप इसको ऑब्जर्व करोगे तो, ठीक है जी। एक्ट्स लाइक ए नेचुरल कॉस्मिक टेलीस्कोप होता है, ये स्टडी करता है अर्ली गैलेक्सीज की जो बहुत बहुत दूर है, ठीक है। ये आल्सो, दिस विल आल्सो हेल्प अस टू अंडरस्टैंड व्हाट इज ब्लैक होल्स, ये ब्लैक होल्स कैसे बनती हैं, इनमें क्या होता है, डार्क मैटर क्या होता है, डार्क एनर्जी क्या होती है, ये चीजों को हेल्प करने में अंडरस्टैंड करेगी। डार्क, हमारा जो मैटर आपको दिखता है, जो सन दिखती है, जितनी गैलेक्सीज दिखती है, जितने प्लैनेट्स दिखते हैं, जितने एस्टीरॉयड्स दिखते हैं, जितने आपको मून्स दिखते हैं, ये सारे के सारे जो हैं ये आते हैं ऑर्डिनरी मैटर में। ये सिर्फ 5% बनाता है हमारे पूरे यूनिवर्स का, ठीक है जी। बाकी 95% इज नथिंग बट डार्क मैटर एंड डार्क एनर्जी, जिसके बारे में हमें 0% नॉलेज है, ठीक
ठीक है जी। इन्हीं पे बहुत ज्यादा रिसर्च हो रही है, तभी तो गॉड पार्टिकल जिसको बोला गया था, हिग्स बोसोन पार्टिकल जिसको बोला गया था, उनको पता किया जा रहा है कि ये क्या चीज है, ठीक है, उनकी डिस्कवरी की जा रही है, ठीक है जी। आगे चलते हैं, तो एप्लीकेशन हमने पढ़ ली थी, इनकी एप्लीकेशन कहाँ पे होगी, टू स्टडी गैलेक्सीज विच आर वेरी फार अवे, जहां पे हमारी लाइट रेज बहुत पहुंच नहीं पाई अभी तक, ठीक है, तो वहां से गैलेक्सीज को स्टडी करना बहुत जरूरी है। इनविजिबल थिंग्स इन द यूनिवर्स को भी आप पता कर सकते हो, अगर लाइट बैंड हो रही है कहीं से, तो इसका दो ही निष्कर्ष हो सकते हैं कि आइदर वहां पे ब्लैक होल है जो आप वहां से लाइट नहीं पास करने दे रही, या बैंड कर रही है लाइट को, या बहुत बड़ी वहां पे क्लस्टर्स है, ठीक है ना, तो बहुत बड़े क्या कहते हैं, गैलेक्सीज के क्लस्टर्स हैं जहां पे जो हमने ऑब्जर्व नहीं किया अभी, ठीक है, ये दो कारणों से हमें ऑब्जर्व करने में हेल्प कर सकता है। टू अंडरस्टैंड स्टार फॉर्मेशन, अगर हम गैलेक्सीज ये हमें स्टार कैसे बनता है, गैलेक्सीज में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, कैसे सन बनता है, हेलो शिवम, तो ये सब कुछ अंडरस्टैंड करने में भी हेल्प करता है। अंडरस्टैंड द पास्ट, अब ये पता होगा आपको पास्ट को कैसे अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है, बताओ मेरे को, कोई क्या कोई टाइम मशीन लेके जाएगा क्या पीछे, बताइए बताइए फिर, ये क्या लिखा हुआ, अंडरस्टैंडिंग द पास्ट ट्रेस बैक द सिग्नेचर, गुड सिग्नेचर। आपको पता है जब सन से हमारे पास लाइट आती है, कम से कम 8 मिनट लगते हैं उसको यहां पर पहुंचने में, है ना, अर्थ तक पहुंचने में। तो सपोज किसी कारणवश कोई बंदे ने लाइट को बंद कर दिया, सपोज किसी कारणवश सूर्य ग्रहण लग जाता है, या ऐसा होता है कि लाइट बंद हो जाती है सूर्य से आने में, कितनी देर तक लाइट आती रहेगी हमारे पास, अगर अभी बंद होता है वहां पे सूरज, तो 8 मिनट तक लाइट आती रहेगी हमारे पास, यू गेटिंग दिस पॉइंट। तो जो लाइट्स चली हुई है इतनी दूर से, इतनी मैग्नी से, तो हम उसको पीछे अगर ट्रेस करते हैं तो वो कहां से आ रही है, सन की तरफ फोकस हो रही है वो सारी की सारी लाइट, है ना। इसी तरह हम अगर एक लाइट हमारे पास आ रही है ये वाली, ठीक है ना, ये लाइट रे से हम इसको इस गैलेक्सी को देख पा रहे हैं क्योंकि ये बैंड हो रही है लाइट, तो हम क्या करेंगे इसको रीट्रेस करेंगे, ये लाइट रे यहां से आ रही थी, यहाँ पे बैंड हुई, यहाँ पे बैंड हुई, यहाँ पे बैंड हुई, कहाँ से आ रही है ये लाइट रे, आ रही है यहाँ से, और ये कहाँ कौन सा ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है आप उसको भी देख सकते, ठीक है। अगर एक लाइट रे को यहां तक आने में 4 लाइट ईयर्स लग रहे हैं, इसका मतलब क्या, अगर ये गैलेक्सी खत्म हो जाती है इस दौरान, ठीक है ना, तो हमारे पास लाइट तब भी आती रहेगी, आती रहेगी, आती रहेगी, ठीक है ना, कब तक आती रहेगी, 4 लाइट ईयर तक। सपोज आपके पास कुछ ऐसा यंत्र है कि आपने यहां से सीधा जंप मार के यहां पहुंच गए हो, विद इन फ्यू सेकंड्स इतना डिस्टेंस कवर कर लिया, जितना कि लाइट को 4 लाइट ईयर लग रहे हैं, कुछ ऐसा आपने मशीन बनाई सपोज, तो आप देखोगे जब लाइट वहां पे शायद वो है ही नहीं, उसका करेक्टर ही चेंज हो चुका है, वहां पे सारा कुछ जो सौरमंडल था वो खत्म हो चुका है किसी कारणवश, कोई ब्लैक होल निकल गया होगा उसको, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि आपके पास जो फोटो आ रही है वो तो कितने टाइम पहले की खींची आ रही है, वो लाइट जो रे आ रही है वो 4 लाइट ईयर्स पहले की आ रही है, हो सकता है कि अब इस दौरान जब अब आपके पास जो टाइम है वहां पे वो खत्म हो चुकी हो, ठीक है ना, दिस इज रिलेटिव मोशन, ये जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है आपके पास, ठीक है जी। चलिए आगे चलते हैं हम, लेट मी क्लियर दिस ऑल्सो, ठीक है जी, आगे चलते हैं, एप्लीकेशंस आपको पढ़ा दी, अंडरस्टैंडिंग द पास्ट, आगे चलते हैं, फिर क्या है हमारे पास, टेस्ट, व्हाट इज टेस्ट, किसी को पता टेस्ट क्या है, इसका नाम है ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट, यस बेटा सभी के पास होती हैं, ये दार्शिला है, इसके अराउंड ही सारे का सारा सन घूम रहा है, मैंने आपको एक फोटो भी दिखाई थी और एक वो भी करके दिखाया था, ये देखो अगर ये हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है बहुत सारी बड़ी, ठीक है, इतनी बड़ी मिल्की वे गैलेक्सी है, ठीक है, इसके सेंटर में क्या है, नॉट अवर सन, इट इज सेंटर में ब्लैक होल है, ठीक है ना,
इसके अराउंड सारी चीजें घूम रही हैं, बहुत सारे मिलियंस एंड मिलियंस एंड मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ स्टार्स घूम रहे हैं, बिलियंस ऑफ स्टार्स घूम रहे हैं, ठीक है ना? ठीक है, हमारा सन बेचारा कहीं यहाँ पे घूम रहा है, यहाँ पे एज ऑफ दिस यूनिवर्स, ठीक है, हमारे सौरमंडल यहाँ पे है और हमारी धरती इसके अराउंड घूम रही है, मून हमारे अराउंड घूम रहा है, ठीक है, और ये सारे का सारा सन इस गैलेक्टिक सेंटर जिसको बोलते हैं उसके अराउंड घूम रहा है। ये ग्रेविटेशनल वेव्स के कारण है बेटा, मैग्नेटिक नहीं, ठीक है ना, ग्रेविटेशनल सेंटर के अराउंड घूम रहा है। और अभी ये पता नहीं कितने एक चक्कर पता नहीं कितने टाइम में काटता है, दैट आई कैन चेक, ठीक है, ओके। तो दिस इज बेसिकली व्हाट इज द सेंटर ऑफ एवरी गैलेक्सी, ये हर गैलेक्सी का यही एक चीज है। पहले हम गैलेक्सीज को समझते थे कि ये मतलब इसमें स्टार बनते रहते हैं और मतलब ऐसी चीज होती रहती है, सेंटर का कंसेप्ट नहीं था हमारे पास। अब हमारे पास गैलेक्सीज का सेंटर का कंसेप्ट है कि भाई ये ऐसे करके सेंटर्स होते हैं, सेंटर में क्या होती है, ब्लैक होल होती है, और ब्लैक होल आजकल की इतनी रिसर्च एडवांस हो चुकी है, मैंने आपको बताया भी था, ब्लैक होल अच्छी भी है और खराब भी है। ये अच्छी चीज क्या करती है, ये नए स्टार्स बनाती है बात, और खराब चीज क्या है, ये उनको नष्ट भी करती है, ठीक है। तो ये गार्बेज डिस्पोजल सिस्टम भी है और नए स्टार्स भी इसी के कारण बनते हैं, ठीक है जी। ये बड़े हंगरी ईटर्स होते हैं, मतलब ईटर्स का मतलब ये उड़ा के चले जाते हैं सारी कुछ जो चीजें आती है अंदर खा लेते हैं, बाद में इनसे पचाया जाता नहीं, तो उसके बाद कॉस्मिक एक्सप्लोजन करते हैं हर तरफ, दैट इज अ बिग थिंग। ये मैंने कुछ आर वो बड़ी चीज नहीं पढ़ी है, यस, तो ये अभी तक भी पता है भाई, क्या बात है शिवम, दैट्स गुड। तो टेस का मतलब है ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट। व्हाट आर एक्सोप्लैनेट्स, एक्सो का मतलब जो बाहर और प्लैनेट्स का मतलब तो आपको पता है, ठीक है, क्या होते हैं, हाँ, रीजनरेटिंग एंड डिस्पोजेबल सिस्टम, यस प्रथम चावला। एक्सो मतलब बाहर, जो हमारे सूर्यमंडल के बाहर प्लैनेट्स हैं हम उनको बोलेंगे एक्सो प्लैनेट्स, ठीक है जी। एक्सो प्लैनेट्स अगर हम देखें, अब अगर हमें, अभी क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, क्या देर इज देयर एनी एक्सटर्नल लाइफ हियर, क्या हमारे पूरे यूनिवर्स में, ठीक है, नाउ वी टॉक ऑल्सो अबाउट मल्टीवर्स, तो बट यूनिवर्स में बताओ या पैरेलल यूनिवर्स, तो अगर आप पूरे यूनिवर्स की बात करते हो, क्या कोई और प्रजाति हो सकती है, क्या विल देयर बी एनी लिविंग ऑब्जेक्ट्स, ठीक है ना, या लिविंग स्पीसीज, तो उसको अगर क्वेश्चन को आंसर करना है तो आपको एक चीज माननी पड़ेगी, क्या हमारे हम यहाँ पे अगर हैं अर्थ पे, ठीक है, तो हम अपने जैसी लाइफ को ही ढूंढने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना, जो कार्बन हाइड्रोजन और नाइट्रोजन बेस है हमारा, अगर आप देखो तो यही है सारा कुछ, CHON, ठीक है ना, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, जहां पे चार एलिमेंट्स बहुमूल्य हैं और बहुत ज्यादा क्वांटिटी में मिलेंगे हम, वहां हम मान सकते हैं कि ये चीजें हो सकती हैं। और जहां पे आपको वाटर दिखेगा वहां पे तो और अच्छा चांसेस है कि वहां पे आपको सिमिलर टू सिमिलर जो लाइफ फॉर्म्स है वो दिख सकती है, ठीक है ना, लग सकते हैं, समय लगा। तो हमने ये क्वेश्चन को इस तरह से आंसर किया। और क्या जरूरी है हमारे पास, एक सूर्य होना बहुत जरूरी है, सूर्य से एक सन होना बहुत जरूरी है, और सन से अर्थ का जितना डिस्टेंस है वो हो बहुत जरूरी है, इसको हम बोलते हैं गोल्डी लॉक जोन्स, क्या बोलते हैं, गोल्डी लॉक जोन्स, आगे जाके आएगा कभी कभी क्वेश्चन में भी आ रखा था एक बार, वो बेटा ऐसे ही होते हैं वो, अभी रुक जाओ मैं बताता हूँ उसके बारे में, बड़ी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं, बाद में कॉल करना बड़ी सुनाऊंगा तेरे को संजय, ठीक है। तो गोल्डी लॉक जोन्स कौन सी होती हैं, बेसिकली लेट मी शो यू, तो ये जैसे हमारा सन है, ठीक है ना, और ये उसके ऑर्बिटिंग जो है, और यहाँ पे है अर्थ, मान लो कि ये गोल है भैया, कुछ ऐसा ही ड्रा हो रहा है, कोई बात नहीं बेटा, यू कैन ज्वाइन ओवर यूट्यूब ऑल्सो, यूट्यूब वालों समय लग रहा है, हेलो, लेट मी चेक, गुड 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 मॉर्निंग जी बेटा सारे।
ठीक है, एक बार जरूर यहाँ पे अपनी अटेंडेंस लगा लिया करो, फिर चाहे वहां पे ज्वाइन कर लिया करो। बिग बैंग थ्योरी, करणवीर सिंह जी, क्या है बिग बैंग थ्योरी? है कि भाई जब हमारे पास कोई ऐसा नहीं था, मतलब ये सारा यूनिवर्स एक पॉइंट पे सीमित था, ठीक है ना, वो ऐसा पॉइंट था जब जब कुछ भी मैटर एग्जिस्ट नहीं करता था, फिर एक इतना बड़ा एक्सप्लोजन हुआ कि जिसके कारण ये सारा मास बना, डार्क एनर्जी बनी, डार्क मैटर बना, जिसके बारे में हमें अभी कुछ नहीं पता। हम क्या चाहते हैं, अगर आप देखो इसका बेसिकली थ्योरी भी मैं क्या बताता हूँ, अभी बताऊंगा, पहले ये समझ लेते हैं हम कि क्या एक्सो प्लेनेट होता है, देन आई विल कम बैक टू यू, ठीक है? अरे संकेत भैया क्या बात कर रहे हैं, एरिया 51 तो बहुत बड़ी अच्छी चीज है। एक मिनट देव बेटा, एक मिनट, ओके बेटा पहले ये बात कर लेते हैं, संकेत यू कैन कॉल मी, हम बात डिस्कस कर सकते हैं, संजय यू कैन आल्सो। ओके सो व्हाट हैपेंस इज, सन के अराउंड जो हमारे पास प्लैनेट्स हैं, ठीक है, बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, यहाँ पे हैं, यहाँ पे हैं, और यहाँ पे हमारी अर्थ है, ठीक है ना, दिस इज अवर अर्थ, ठीक है। तो ये सन इतनी दूरी से है, इतनी दूर है यहाँ पे, जहां पे कि पानी जो है वो तरल पदार्थ के रूप में हमारे पास होता है। नॉट फॉर यूपीएससी बेटा, बट आगे जाके जरूर होगा, इसलिए मैं आपको बताता हूँ। वॉर्म होल्स का कंसेप्ट आपको बताया था मैंने एक बार शायद, वो जब एक इसको मैटर को इतना कंप्रेस कर दो, स्पेस फाइबर को इतना कंप्रेस कर दो कि एक तरफ से जाके दूसरी तरफ निकल जाओ, ठीक है ना, तो ये चीजें होती हैं, बट हम बात करेंगे इसके बारे में इफ यू आर इंटरेस्टेड सम अदर टाइम आल्सो, ठीक है। तो ये की चीज क्या होती है कि ये इतनी दूरी पे है, जब हम मानते हैं कि वाटर जो है वो लिक्विड फॉर्म में हमारे पास अवेलेबल हो सकता है, तो ये वाले जोन को हम बोलते हैं गोल्डी लॉक जोन। और अगर ध्यान रखो, गोल्डी लॉक जोन इज आल्सो फॉर मार्स आल्सो, तो मार्स तक हम मान के चलते हैं देयर इज ए गोल्डी लॉक जोन, ठीक है जी। क्यों? एक यहाँ पे पहली चीज क्या है, यहाँ पे रॉकी प्लैनेट्स होते हैं, ठीक है, गैस जायंट्स नहीं है। इसके बाद अगर देखोगे तो सारे के सारे क्या है, गैस प्लैनेट्स है। अगर जुपिटर की बात करते हो, अगर यूरेनस की, सैटर्न की, नेपच्यून की बात करते हो, सारे के सारे क्या है, गैशियस जायंट्स है, तो वहां पे लाइफ होना बहुत डिफिकल्ट है। सेकेंड बात, यहाँ पे जो वाटर है वो तरल कुछ इस तरह से है कि वाटर जो है तरल पदार्थ के रूप में प्रेजेंट हो सकता है, तो हम इनकी खोज करेंगे, ठीक है। तीसरी बात जो है, यहाँ पे कौन कौन से मिनरल्स प्रेजेंट है वो बहुत मैटर करता है, जैसे कि CH यानी कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो होनी ही चाहिए, और नाइट्रोजन भी होनी चाहिए। जब बायोलॉजी बताऊंगा तो ये आपको बताऊंगा कि क्यों जरूरी है ये सारी चीज, अब समझ आ रहा है? तो रेदर देन एक, क्योंकि हर कहीं पे इतना बड़ा ब्रह्मांड है, इतना बड़ा यूनिवर्स है कि आप अभी अभी तक हम ना अगर बात करें तो हम यहां से 10 मीटर भी दूरी तय नहीं की। अगर आप बैठे हो तो अगर मैं 10 मीटर की दूरी तय करूंगा, उतनी भी दूरी तय नहीं की। आप चाहते हो कि पूरा अर्थ घूमना मेरे को, समझ रहे हो? तो एक मैंने एनोलॉजी आपको बताई है, तो अभी आपने 10 मीटर की दूरी भी नहीं तय की, आपने मैक्सिमम 10 मीटर दूर ही जा चुके हो, तो आपको बस इतना ही पता है, आपको पता नहीं कि अर्थ कितनी है, समझ रहे हो? अर्थ का रेडियस क्या, आप बस कयास लगा सकते हो कि हो सकता कितना बड़ा हो, समझ रहे हो? तो इतने बड़े सूर्य मंडल में, इतने बड़े यूनिवर्स में, ठीक है ना, आपको अगर ढूंढना है तो आपको क्राइटेरिया बनाना पड़ेगा। तो क्राइटेरिया हमने क्या बनाया, गोल्डी लॉक जोन्स। गोल्डी लॉक जोन्स में क्या होगा कि ये तीन चीजें होंगी, सन से कितना डिस्टेंस पे अर्थ होनी चाहिए, या कोई भी प्लेनेट होगा जहां पे उस वो डिस्टेंस जहां पे पानी तरल पदार्थ के रूप में अवेलेबल हो सकता है, वहां पे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हो सकते हैं, वहां पे रॉकी सरफेस हो सकती है, वहां पे आपको ढूंढना पड़ेगा, ठीक है, कि भाई वहां पे जाओ, वहां पे भेजो।
और ऐसे हमने आज भी बताऊंगा है, जैसे कि टाइटन्स है, टाइटन इज ए मून ऑफ आई थिंक सैटर्न, ठीक है, वो आइसी मून है, वहां पे बहुत ज्यादा आइस डिपॉजिट्स है और वहां पे बहुत ज्यादा CH4 है, दैट इज मीथेन, ठीक है ना, वहां पे मीथेन के लेक्स पाए गए हैं। तो हम मान के सकते हैं कि चलो हमारे जैसा नहीं तो हमारे जैसे मिलती जुलती बायोलॉजिकल फॉर्म्स वहां पे मिल सकती हैं, तो हम वहां पे और भेजने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स वहां पे भेजेंगे, ठीक है, बताऊंगा आज। तो टेस्ट क्या है, एक तरह का टेलीस्कोप है जो किसको सर्च करेगा, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ को सर्च करेगा। कहाँ पे सर्च करेगा, पूरे ब्रह्मांड पे सर्च करेगा, क्या दिमाग में रख के सर्च करेगा कि भाई मेरे को वहीं पे ढूंढना है, मैं वहीं पे ढूंढ सकता हूँ जहां पे जो सूर्य है और जो प्लेनेट हम देख रहे हैं वो इतनी दूरी पे है जहां पे कि पानी जो लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल हो सकता है, ठीक है ना जी। तो स्पेस कार्ट फॉर इज लुकिंग फॉर नॉमिना एज ए ट्रांजिट वेयर। अच्छा, एक चीज और है, मैंने आपको बताया था कि भाई सन के, अगर आपको कैसे पता कि यहाँ पे मरकरी भी है या मार्स भी है, सॉरी मरकरी है या वीनस घूम रहा है सन के अराउंड, तो एक तो हम टेलीस्कोप से देख सकते हैं, लेकिन ये तो हमारा सूर्य मंडल है। अगर मैं बोलूं कि मैं अल्फा सेंटूरी को देखने की कोशिश कर रहा हूँ जो हमारे से 4.1 लाइट ईयर दूर है, हमें क्या पता कि वहां पे कितने प्लैनेट्स हैं, कौन से, अगर हमें तो सिर्फ स्टार का पता है तो हमें प्लैनेट्स कैसे दिखेंगे, और प्लैनेट्स अपनी लाइट अमिट नहीं करते हैं, ये आपको पता है, समझ रहे हो ना, प्लैनेट्स आर नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, ये सबको पता। ओके गुड, सोचो अब मेरा हाथ है, दिस इज द सन, मैं यहां पे घूम रहा हूं, एक चीज को लेके उंगली को घुमा रहा हूं, ठीक है ना, और एक बंदा तीसरा बंदा है वहां पे देख रहा है, मेरे को देख रहा है, ठीक है, बाकी तरफ चारों तरफ अंधेरा है, मैं उसके अराउंड ये पेन घुमा रहा हूं, वो मेरे को भी नहीं देख पा रहा, सिर्फ लाइट के सोर्स को देख पा रहा है। अगर मैं इसको घुमा रहा हूं, आपको क्या दिखेगा, आप वहां पे बैठ के तीसरे कमरे में दूसरे कमरे में बैठ के देख रहे हो, हर तरफ अंधेरा है, आप उसकी शेडो पास होती दिखेगी, ठीक है, तो सोचो अगर यहाँ पे शेडो पास हो रही है इसकी, मैं यहाँ पे देख रहा हूं, मेरे को जब ये मेरी आंखों के सामने आएगा, जब यहां से ऐसे घूमेगा, तो एक टाइम डिप नहीं आएगा लाइट का, जब आपको अंधेरा आएगा, लग रहा, समझ ये बात, गुड, ये देखो लाइट चल रही है, लाइट आ रही है, लाइट के आगे जब भी सोर्स आएगी, आप देख रहे हो इस सन को देख रहे हो, क्योंकि लाइट ये क्या है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, इसको देख सकते हो आप, इसके आगे अगर प्लेनेट घूम रहा है, ठीक है ना, तो एक टाइम ऐसा आएगा आपका जो सेटल, आपका जो क्या कहते हैं टेलीस्कोप है, वो क्या देख रहा है कि भाई थोड़ा टाइम के बाद ना यहाँ पे एक डिप आता है, हर और डिप हर रेगुलर टाइम पे आता है, जब रेगुलर टाइम पे डिप आएगा, क्या उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी निकाल सकते हो, क्या उसकी ऑर्बिट निकाल सकते हो, अगर वो ज्यादा सन के पास होगा तो वो ज्यादा तेज घूमेगा, ये आपको पता है, समझ रहे हो ना, जो लो अर्थ ऑर्बिट्स में अर्थ के अराउंड घूमते हैं उनकी ऑर्बिटल वेलोसिटी बहुत तेज होती है, और जो ज्यादा दूर से घूमते हैं वो एक घंटे में सपोज एक एक चक्कर लगा रहे हैं, 24 घंटे में एक चक्कर लगा रहे हैं, इसका समझ आ ना, मतलब समय लग रहा है ना आपको, ये मैंने करवाया था जब आपको, तो यही है बेटा, इसको बोलते हैं ट्रांजिट। और ये जो एक्सोप्लैनेट टेस्ट है जो नासा द्वारा बनाया गया है, ये क्या नोट करता है, ट्रांजिट, ट्रांजिट होता है जब सन के सामने, जब आप सन को देख रहे हो, जिस फेस के सन को देख रहे हो, दूसरे मतलब बहुत दूसरे स्टार को देख रहे हो, उसके सामने से जब उसका डिप होगा, ठीक है ना, एक टाइम आएगा जब आप देखेगा कि थोड़ा लाइट इंटेंसिटी कम हो रही है, तो वो जब आप डिप को देखोगे उसको हम बोलते हैं ट्रांजिट को। तो इस टेक्निक का यूज करते हुए इस टेस्ट ने बहुत कम से कम 2 लाख से ज्यादा ब्राइट स्टार्स को देखा है, उसके अराउंड जो एक्सोप्लैनेट्स घूम रहे हैं उनको देखा है। देखो कितना चालाकी वाला काम है, हम इतनी दूर देख नहीं सकते हैं कि वहां पे प्लैनेट्स हैं कि नहीं, हम अंदाजा लगा सकते हैं, और अंदाजा भी साइंटिफिक तरीके से लगाया हमने, क्योंकि कोई भी चीज अगर आपके ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स के अराउंड घूमेगी, और इट्स लॉजिकल थिंग कि जब भी कोई ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के अराउंड कोई भी चीज घूमेगी जो लाइट अपनी पैदा नहीं कर सकती है, वो डिप करेगा एक बार, ठीक है ना, आप अगर उसको देख रहे हो तो बहुत महीन डिप करेगा, उससे आप उस ऑब्जेक्ट का साइज पता कर सकते हो, किस ऑब्जेक्ट का साइज क्या है, उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी पता कर सकते हो, वेलोसिटी क्या चल रही है, और ऑर्बिटल वेलोसिटी के चलते चलते आप ये भी पता कर सकते हो वो सन उसके स्टार से कितनी दूरी पे है, अगर ज्यादा दूरी होएगी तो
तो वो ठंडा हो जाएगा। अगर बहुत ज्यादा जैसे मरकरी है सन के अराउंड बहुत ज्यादा पास में होगा तो पानी वहां पे हो ही नहीं सकता, गैशियस फॉर्म में होगा, वो भी हमें नहीं चाहिए। तो ऐसी जगह पे चाहिए जहां पे पानी लिक्विड हो। आर यू गेटिंग दिस? हाँ जी बेटा, अब परछावा बनता है, लेकिन परछावा किसके ऊपर पड़ेगा? देखो दो चीजें हो सकती है, जैसे आपने ज्योति का क्वेश्चन जो पूछा, हो सकता है, लेट मी रिमूव इट दिस, सपोज दिस इज द अर्थ ना, ये अर्थ है, ठीक है, और मैं क्या कह रहा हूं कि भाई यहां पे इसके अराउंड मून घूम रहा है, तो हो सकता है कि मून और सन 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 के और अर्थ के बीच में मून आ जाए, क्योंकि मून इसके अराउंड घूम रहा है इस तरह से, ठीक है ना। चलें तो उसको भी बोलेंगे एक्लिप्स हो गया। यहां क्या हो सकता है कि ये मून घूम के यहां पे चला गया दूसरी तरफ। अब क्या होगा, अब सन और मून के बीच में क्या आ गई अर्थ, तब भी एक्लिप्स लग सकता है, तब इसका परछावा इसके ऊपर पड़ेगा, यहाँ पे इसका परछावा इसके ऊपर पड़ रहा है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो ये एक्लिप्स ऐसे लगते हैं, ठीक है जी। चलें जी आगे। तो ये जो है ये टेलीस्कोप है, ये नासा द्वारा दी गई है। ये वहां पे क्या ढूंढ रही है, ये एक्सोप्लैनेट्स को ढूंढ रही है। एक्सोप्लैनेट्स क्या होते हैं ये आपको मैंने बता दिया है। तो ये अभी न्यूज में क्यों है कि इन्होंने नया एक सुपर अर्थ प्लैनेट ढूंढा है जो कितनी लाइट ईयर्स अवे है, 31 लाइट ईयर्स अवे है, ठीक है। अब ये सुपर अर्थ क्या होता है बताओ मेरे को कोई, ठीक है। इसको हैबिटेबल जोन भी बोला जाता है, गोल्डीलॉक्स जोन को हम हैबिटेबल जोन भी बोलते हैं। हैबिटेबल जोन मतलब यस, सुपर अर्थ मतलब अर्थ के साइज से ज्यादा बड़ी होना, ठीक है ना। अर्थ का साइज है जो उससे अगर कोई बड़ी होएगी ऑब्जेक्ट, कोई बड़ा प्लेनेट होगा तो हम बोलेंगे सुपर अर्थ है, ठीक है। बताइए अरे बेटा, लाइट कहाँ पे पड़ती है भाई? चंद्रमा की तो लाइट होती है, वो रिफ्लेक्ट करता है हमेशा। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं जो अपनी लाइट खुद बनाते हैं, जो स्टार्स हैं वो अपनी लाइट खुद बनाते हैं, ठीक है ना जी। उनके अंदर ज्वलनशील पदार्थ है, जो जैसे कि न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर्स वो चल रहे हैं, उसके कारण बहुत ज्यादा गर्मी हीट प्रोड्यूस हो रही है और उससे लाइट प्रोड्यूस हो रही है। जो सन है और जो अर्थ है वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। हाँ तो वही तो बताया मैंने, वो रिफ्लेक्ट करता है, जैसे शीशा रिफ्लेक्ट करता है वैसे वो रिफ्लेक्ट करता है हमारी तरफ लाइट, तभी आप देख पाते हो। आई थिंक बेटा ये नेट पे सर्च कर लेना, आई थिंक ये पिछले साल का ही होगा। ये आपको बताया मैंने कम से कम एक डेढ़ 2 साल के आपको करंट अफेयर्स चाहिए, तो आई थिंक पिछले 1 से 1.5 साल का ही है, देख लेना, चेक कर लेना। तो सुपर अर्थ प्लैनेट इनको मिला है, तो यूपीएससी किस तरह से पूछेगी, GD 353D वाज इन न्यूज रिसेंटली विद रिस्पेक्ट टू दिस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू, बना दिया क्वेश्चन। बेटा ये ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे अर्थ पे नहीं है, ये ऊपर है, ठीक है, ऊपर है, मतलब ऊपर आप जैसे हबल टेलीस्कोप है वैसे होता है, ठीक है। आप इसके स्पेसिफिकेशंस आई डोंट नो, ठीक है ना, कि कितने इंच का उसका वो है टेलीस्कोप का फोकल पॉइंट क्या है, दैट आई डोंट नो, ठीक है। बट ये आप पढ़ सकते हो कि भाई ये हैबिटेबल जोन्स क्या होते हैं और गोल्डी लॉक जोन्स क्या होते हैं, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और स्टार्ट, हाँ जी, तो ये सुपर अर्थ है, ये 2019 में पाया गया था नासा के टेस्ट टेलीस्कोप में, ठीक है जी। दैट कैन बी पॉसिबल बेटा, दैट कैन बी पॉसिबल, बट वी कैन, अब इतनी दूर हम पहुंच नहीं सकते, 31 लाइट ईयर तो बहुत दूर की बात है, अब तो चार वाले पर पहुंच नहीं पाए हैं, 31 लाइट ईयर तो बहुत दूर है। इट इज 22% लार्जर देन अर्थ एंड ऑर्बिट्स 11 टाइम्स क्लोजर टू द इट्स स्टार देन मरकरी डज टू अवर सन, ठीक है ना। तो इसका सरफेस टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, ठीक है, ये मार्स की तरह है, हो सकता था, बट सिग्निफिकेंस क्या है,
वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट दिस सुपर अर्थ प्लैनेट एंड अदर लार्ज एक्सो प्लैनेट्स आउटसाइड अवर सोलर सिस्टम्स। इट हैज ओपन डोर टू एस्ट्रोनॉमर्स टू टेस्ट थ्योरीज अबाउट मॉडल्स अबाउट एक्सो प्लैनेट्स। तो ये एक्सो प्लैनेट्स कैसे बनते हैं? यस इज यस यस बेटा, दिस वॉज लॉन्च्ड बाय नासा वे बैक इन 2015 आई थिंक। तो ये प्लैनेट्स कैसे बनते हैं, प्लैनेट्स का जेनेसिस क्या होता है, और हो सकता है जैसे मैंने आपको बताया था मून पे भी हम वाटर की खोज कर रहे हैं अभी चंद्रयान टू से, ठीक है ना। क्यों कर रहे हैं? साउथ वाला वहां पे जो हिस्सा है वो अकेला ऐसा हिस्सा है जो सन से दूर रहता है, जहां पे सन से दूर रहेगा वहां पे वाटर आइस की फॉर्म में पाया जा सकता है। ठीक है जी, बैक साइड करूं, ब्लैक साइड पीछे करूं, ये लो जी ये वाली रोहित। चलिए जी आगे चलते हैं। जी 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 इसी तरह TOI 270 की बात जब हम करेंगे तो वे भी एक तरह का रिसेंटली डिस्कवर्ड न्यू ड्वार्फ स्टार है। ये ड्वार्फ स्टार है, वो एक्सो प्लैनेट था, ये ड्वार्फ स्टार है। इसको प्लैनेटरी सिस्टम में हमने जाके देखा है। ये ड्वार्फ स्टार क्या होता है? जो हमारे स्टार से छोटा स्टार होगा ड्वार्फ स्टार, जो हमारे स्टार से बड़ा स्टार होगा उसके बड़े नाम है, न्यूट्रॉन, मैग्नेटार, ये सारे पल्सर्स, ब्लैक होल, ये सारे अपने जो स्टार से बड़े स्टार्स की बात होती है। कितनी दूर है? 73 लाइट ईयर वे है। ठीक है जी, क्योंकि ये ड्वार्फ स्टार है इतनी ज्यादा इंटेंसिटी नहीं है जितने हमारे सन की है, ठीक है ना। तो अगर उसकी कम में भी अगर इतना डिस्टेंस जितना मरकरी का डिस्टेंस है उस स्टार से, ड्वार्फ स्टार से, तो वहां पे भी लाइफ हो सकती है। तो उन्होंने ए बी सी करके ऐसे करके स्टार्स को, प्लैनेट्स को ढूंढा। ये 3 एक्सोप्लैनेट्स हैं, यानी कि कौन से? बी सी और डी, TOI 270, बी सी और डी। इनका ऑर्बिटल पीरियड क्या है? 3.4, 5.7 और 11.4 डेज रिस्पेक्टिवली। मतलब एक चक्कर ये सन का 11.4 डेज में लगा लेते हैं। ठीक है जी, तो मेरे को बताओ, ये भी देखो ये सुपर अर्थ है, ये देखो 25% बिगर देन द अर्थ, 270p, ये इनर मोस्ट है, ये रॉकी वर्ल्ड है, ये देखो। लाइफ हो सकती है? जी हो सकती है। क्या ये इट इज नॉट ए हैबिटेबल? तो ये गोल्डी लॉक जोन में नहीं है। ठीक है जी, ओके, टू क्लोज टू द स्टार, अबाउट 13 टाइम क्लोजर देन अवर सोलर सिस्टम है मर्करी द सन। ठीक है जी, ये नेपच्यून लाइक प्लैनेट्स हैं, देयर कंपोजिशन आर डोमिनेटेड बाय गैसेस रादर देन रॉक। तो ये जो है ये गैसेस लाइक है, COD। तो हम अभी एक्सोप्लैनेट्स को ढूंढ रहे हैं, वो उसके बाद हम क्लासिफाई करेंगे यहाँ पे लाइफ हो सकती है कि नहीं हो सकती है। ठीक है जी, तो इसी तरह से ये आता है, कभी आपको ये आपको पता होना चाहिए। इसी तरह के जैसे मिशंस आते हैं, मिशंस के बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए। आप नासा की वेबसाइट को भी रेफर कर सकते हो। ठीक है जी, ड्रैगन फ्लाई मिशन भी नासा द्वारा बनाया गया। ये क्या होगा कि एक अभी इसका डेट उन्होंने बताई नहीं है, लेकिन पॉसिबली बोल रहे 2024 या 25 में इसको भेजेंगे। ठीक है ना, 2034 में भेजेंगे। क्या होगा ये ड्रोन होगा एक तरह का। ड्रैगन फ्लाई का मतलब होता है ड्रोन की तरह हेलीकॉप्टर में हूवर करेगा। कहां पे करेगा? सैटर्न के लार्ज मून टाइटन पे, याद है टाइटन पे, ये बता रहा हूं ना। टाइटन का ऐसा जो सैटर्न का मून है एक टाइटन, वहां पे लिक्विड बहुत ज्यादा पाया गया है, आईसी मून है ये टाइटन। वहां पे ये क्या करेगा? उतर के वहां पे हेलीकॉप्टर की तरह हूवर करेगा। हूवर मतलब समझ रहे हो, एक जगह पे खलो के सारी जगह पे वहां पे स्कैन करेगा कि क्या सरफेस है, क्या कौन कौन से मटेरियल्स यहाँ पे हैं, कौन कौन से मिनरल्स यहाँ पे हो सकते हैं। ठीक है जी, ओके। तो ये सबसे पहला मतलब हेलीकॉप्टर होगा जो हम एक क्या कहते हैं मून पे भेजेंगे या एक प्लेनेटरी ऑब्जेक्ट पे भेजेंगे। ठीक है जी, क्यों टाइटन, वाई टाइटन? बिकॉज यहाँ पे हमें लिक्विड रिवर्स, लेक्स और सीज का हमने देखे गए हैं यहाँ पे। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे लेक्स किसके हैं? पर वो CH4 के, मीथेन के हैं। यहाँ पे बारिश होती है तो बारिश में पानी नहीं बहता, क्या बहता है? मीथेन। ठीक है ना, CH4। और मैंने आपको बताया कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और जो नाइट्रोजन है वो बहुत ज्यादा जरूरी है एक लाइफ के लिए, लाइफ फॉर्म के लिए। ठीक है, अब बेपी कोलंबो क्या है? इसी तरह का एक मिशन है, ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी का मिशन है और जापान स्पेस एजेंसी का मिशन है, बेपी कोलंबो। ठीक है,
अभी ये क्या है, दैट विल टेक प्लेस ड्यूरिंग, अच्छा अबाउट द मिशन, इज अ जॉइंट मिशन टू, इसमें दो सैटेलाइट्स होंगी, मरकरी प्लैनेट ऑब्जर्व ऑर्बिटर और मरकरी मैग्नेटोस्फेरिक ऑर्बिटर। तो मरकरी का मैग्नेटोस्फियर चेक करेगा और मरकरी का ऑर्बिट करेगा, मरकरी को ऑर्बिट करेगा। यूपीएससी इस क्वेश्चन को कैसे पूछ सकती है, और आजकल वो पूछ रही है, वो डालेंगे दो तरफ ऐसे करके बना देंगे वो टेबल ऐसे करके, ठीक है, एक तरफ ला देंगे मिशंस, दूसरी तरफ डालेंगे या तो एजेंसी डाल देंगे या प्लान किसके अराउंड वो प्लानिटरी बॉडी के अराउंड मूव कर रहा है, ठीक है ना, इस तरह से डालेंगे बीपी कोलंबो, ठीक है ना, आगे डाल देंगे वीनस के अराउंड घूम रहा है, ठीक है जी, आगे डालेंगे शुक्रयान, ठीक है, ये डाल देंगे मरकरी के अराउंड, ठीक है, आगे डाल देंगे न्यू हराइज़न, जैसे आज हम पढ़ेंगे ड्रैगन फ्लाई, ठीक है, वो डाल देंगे सैटर्न के ऊपर या टाइटन के ऊपर। आर यू गेटिंग दिस पर्सन? विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच्ड, तो इसमें कौन से करेक्टली मैच है बताओ, यस थ्री ओनली ऑप्शन में आपको ऐसे होगा, वन वन टू एंड थ्री, टू एंड थ्री, वन एंड थ्री, थ्री ओनली, तो आंसर इज थ्री ओनली, ठीक है ना। तो आपको इस तरह से नोट्स बनाने हैं ताकि जब भी आप समझो इसको तो आपको पता हो कि बेपी कोलंबो इज फॉर मरकरी, ड्रैगन फ्लाई इज फॉर टाइटन, शुक्रयान इज फॉर वीनस, ठीक है ना। तो ये नहीं है कि आपको एक एक चीज पता हो उसके बारे में, बट मोटा मोटा तो पता होना चाहिए ना कौन कौन से मिशन चल रहे हैं। और ये क्वेश्चन मैंने आपको दिखाया भी था 2020 में आया, याद है, ऐसा करके क्वेश्चन हमने देखा भी था जब मैंने क्वेश्चन डिस्कस किए थे, जब वॉयर वन और वॉयर टू के बारे में पूछा गया था वहां पे, ठीक है ना। तो यूपीएससी इस तरह के क्वेश्चन पूछ रही है बेटा, तो आपको बस ये नहीं कि सारा कुछ जो मैंने यहाँ पे लिख दिया है वो आपको याद होना चाहिए, मोटा मोटा याद होना चाहिए, जैसे कि ये कौन सी एजेंसी काम कर रही है पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है, ये तो जापान का और यूरोपियन एजेंसी का कंबाइंड मिशन है, किसके राउंड घूम रहा है वो पता होना चाहिए, ठीक है। ये 2018 में लॉन्च हुआ है अक्टूबर में, ठीक है, मरकरी में 2025 तक पहुंचेगा, ठीक है, और वहां पे डाटा गैदर शुरू करना शुरू कर देगा, और वीनस के भी राउंड फ्लाई बाय करेगा, बट ये है किसके लिए, मरकरी के लिए, ठीक है जी। यस बिल्कुल सही, बिल्कुल जगजीत कौर, आपने सिर्फ इंपॉर्टेंट नोट्स बनाने हैं ताकि आपके दिमाग में एक चीज रहे कि भाई आपको पता है कि व्हाट इज बेपी कोलंबो, किसका मिशन है, कहाँ के लिए है, बस इतना। ये दो ऑर्बिटर मिशन है, एक प्लेनेटरी ऑर्बिटर होगा, एक वहां पे मैग्नेटोस्फीयर को चेक करेगा, एक उसका वैसे ही ऑर्बिट करेगा, सीधी सी बात है, ठीक है जी। इतना इतना ही करना है, बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, बट मोटा मोटा जरूर पता होना चाहिए हर चीज के बारे में, ठीक है। किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन ऐसे आएंगे आपको, पेपर में भी मैंने ऐसे क्वेश्चन डाले हुए हैं, ठीक है, ये देखो यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने एक नया सैटेलाइट लॉन्च किया, सेंटिनल, सेंटिनल 2B, ठीक है, ये क्या है, ये किस प्रोग्राम का हिस्सा है, प्रोग्राम भी आपको पता होना चाहिए, कॉपरनिकस ऑब्जर्वेशन प्रोग्राम, ठीक है जी, ठीक है, ये किसके है, ये 2015 से स्टार्ट किया प्रोग्राम है, ऑलरेडी दो सैटेलाइट यहाँ पे है, कौन सी ऑर्बिट में है, सनसिंक्रोनस ऑर्बिट में है, ठीक है जी। क्या करते हैं ये फोरकास्ट करते हैं एनवायरमेंट के लिए बनाए गए हैं, स्पेशली एनवायरमेंटल इनिशिएटिव्स, जैसे कि इनको पता चल, आपको आपको एक चीज बताएंगे आपके ज्योग्राफी वाले सर भी, कि क्या होता है यूवी होल, क्या होता है, ठीक है, अल्ट्रा वायलेट होल क्या होता है जिसको बोला जाता था, और आपने सुना भी होगा ये नाम, तो इसको ऑब्जर्व करना, या अगर एमेजोन में आग लगी है तो उसका एक्सटेंट कितना हो सकता है, कहाँ कहाँ और लग सकती है, तो इसके बारे में अगर आपको पास अच्छे से कोई जानकारी हो, तो वो यूरोपियन यूनियन ने ये सैटेलाइट लॉन्च किया कॉपरनिकस प्रोग्राम, ठीक है जी। चले आगे, तो ये क्लाइमेट चेंज को भी ऑब्जर्व करेगा कि भाई जैसे कि जो हमारे कोस्टल एरियाज हैं, जो तटीय क्षेत्र है हमारे, और जो लेक्स हैं उनमें पानी कितना है, और कितना मतलब और ज्यादा क्लाइमेट चेंज के कारण प्रॉब्लम जहां पे आ सकती है, ठीक है जी, तो ये सारी चीजें ऑब्जर्व करेगा, ठीक
है। चलिए, सो दिस इज समथिंग अबाउट कॉपरनिकस प्रोग्राम। लेट मी स्टार्ट। आज पता नहीं क्या इशू है कि ये बड़ा धीरे धीरे कर रहा है। तो कॉपरनिकस वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सिंगल अर्थ ऑब्जर्वेशन प्रोग्राम यूरोपियन द्वारा चलाया गया सेंटिनल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट का, जो एक बहुत बड़ा जखीरा इन्होंने बनाया, वो क्या ऑब्जर्व करता है? अर्थ के क्लाइमेट चेंज को ऑब्जर्व करता है। ठीक है जी, मूविंग ऑन नेक्स्ट। अब हमारे पास आता है, लेट मी शो यू, 1 मिनट जी। पार्कर सोलर प्रोब आपके बारे में बताया था, और ये एकमात्र ऐसा प्रोब है, एक नासा का एकमात्र ऐसा जो सैटेलाइट है, जो प्रोब है, जो कि एक लिविंग पर्सन के नाम के ऊपर है। प्रोब मतलब सैटेलाइट तरफ से का समझ लो, ठीक है ना, जो वहां पे जाके चीजों को ज्ञान लेगा, मतलब जैसे हमारे चंद्रयान है, वो भी एक प्रोब है, ठीक है ना, ऑर्बिटर है एक तरह का, ठीक है, जो वहां पे एक्सपेरिमेंटेशन करेगा, जांच करेगा जी, प्रोब करेगा जी शिवम। तो ये एकमात्र ऐसा मतलब जो प्रोब है नासा का, जो लिविंग पर्सन के नाम के ऊपर है। इसका नाम, बंदे का नाम था यूजीन पार्कर। ही वाज़ द फर्स्ट पर्सन टू टेल अबाउट व्हाट आर नैनो फ्लेयर्स एंड व्हाट आर कोरोना। इसको डिफ्रेंशिएट किया था इस बंदे ने, ठीक है। इट इज द फर्स्ट रोबोटिक स्पेसक्राफ्ट टू द सन विच विल ट्रेवल डायरेक्टली टू द सन एटमोस्फियर। तो कोरोना तक ये जाएगा, ठीक है। मैंने आपको बताया था जो आउटर हिस्सा होता है, आउटर एटमॉस्फेयर होता है जो सन का, उसका नाम हमने कोरोना रखा था, ठीक है जी। तो ये एक ऐसा मात्र जो प्रोब होगा जो इतने पास में जाएगा अर्थ के, सॉरी सन के, और उसको ऑब्जर्व करेगा व्हाट इज कोरोना, कोरोना का क्या होता है, कोरोना में इतना टेम्परेचर क्यों है ज्यादा, जबकि वहां पे इतना टेम्परेचर नहीं होना चाहिए। आपको बताया व्हाट इज फोटोस्फियर, व्हाट इज क्रोमोस्फियर, ठीक है ना। तो कौन सा ऊपर होता है, कौन सा नीचे होता है? फोटोस्फियर ऊपर होता है कि क्रोमोस्फियर, बताइए? क्रोमोस्फियर, वेरी गुड। तो वहां पे टेम्परेचर कम क्यों है और कोरोना में टेम्परेचर ज्यादा क्यों है, इसका क्या रीजन है? तो आपको वहां पे पास में पहुंचोगे क्रोमोस्फियर में, तभी आपको पता चलेगा ना, ठीक है ना। तो और ये जो बहुत सारे जो सोलर फ्लेयर्स हैं, चाहे सोलर विंड्स हैं, या जो क्रोनल मास इजेक्शंस हैं, जो हमारे एस्ट्रोनॉट्स हैं, उनकी हेल्थ को कैसे इंपैक्ट करेगा? क्योंकि कल कल को देखो, हमें मार्स पे जाना है या मून पे जाना है, तो वहां पे अगर सोलर फ्लेयर हो गया तो इतनी रेडिएशन बेचारे वो एस्ट्रोनॉट्स के ऊपर लग जाएगी कि उनको तो कैंसर हो जाएगा, वो वहां पे मर जाएंगे बेचारे, ठीक है ना। तो ऐसा ना हो तो हमें स्टडी करने की जरूरत है सन को, ठीक है ना। और इसी कारणवश हमने ये बनाया, नासा ने पार्कर सोलर प्रोब भेजा, ठीक है। इनकी तुम दूरदर्शिता देखो, और ये प्रोब, ये जब इन्होंने सोचा था, जब 2000 का टाइम था, 2000 के टाइम पे इन्होंने नासा सोलर प्रोब के बारे में सोचा था, ठीक है। 2000 तक इन्होंने बना लिया। सोचो हम लोग क्या करते हैं, हम अगले दिन के लिए ही सोचते हैं कि कल क्या करना है, परसों क्या करना है। डिड वी एवर थिंक कि हमारा लॉन्ग टर्म गोल क्या है? और जब मैंने आपकी फर्स्ट क्लास ली थी, मैंने उसी दिन आपको बोला था, ऑलवेज थिंक अबाउट द बिगर पिक्चर, क्या चल रहा है भाई, क्या खेला चल रहा है, ठीक है। तो ऑलवेज थिंक कि भाई ये क्यों है और क्या है और आगे जाके क्या करना है मेरे को। अगर आपको, आपने सोच लिया आईएएस ऑफिसर बनना है, तो 20 चीजें आएंगी बेटा, 20 लोग बोलेंगे कि मत बनो, क्या करना है, क्यों क्यों कर रहे हो, अपना टाइम खराब कर रहे हो, फ्रस्ट्रेशन भी क्रीप इन होएगी, दैट इज न्योर, ये ह्यूमन है हम, तो हमारे में आएगी, फ्रस्ट्रेशन भी आएगी आपके पास। तो ये ना, आपको मान के चलना पड़ेगा कि ये चीजें आएंगी मेरे टाइम पे। आप कोई नए बंदे नहीं हो कि आपके जिंदगी में कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगी या इतना ज्यादा वो नहीं होगा। हो सकता है कि कई बच्चे होंगे, और मैं तो चाहता हूँ कोई भी ना हो, कि जो फेल भी होंगे, लेकिन जो बंदे, लेकिन बच्चा फेल होके सीखेगा नहीं, वो सबसे बड़ा गधा है, ठीक है जी। यस, चलते रहो चलते रहो, चलता बस चलते रहो, ये मत सोचो कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, या मैं आगे बढ़ रहा हूं या नहीं बढ़ रहा हूं। आप बढ़ोगे आगे बेटा, जब तक आप चोट नहीं खाओगे तो आगे कैसे बढ़ोगे, है ना जी। चलो आगे चलते हैं। वी टॉक्ड अबाउट, लेट मी से, गलतियां ही सिखाती हैं जी। तो लेट मी शो,
यूजीन पार्कर का। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? बेसिकली कोरोना और सोलर विंड को ट्रेस करना कि किस तरह से उनकी हीट जो है वो क्या कहते हैं बनती है, ट्रांसफर होती है। याद है हमने थ्री मेथड्स पढ़े थे, मोस्ट नॉन नो 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 ज्योतिका, फेलियर्स आर द रूट टू बिकमिंग ए नॉलेजेबल पर्सन, ठीक है, आर द मोस्ट नॉलेजेबल पर्सन, ही है ठीक है, आप इस तरह से इंग्लिश में बोल सकते हो। तो फेलियर्स आर द रूट टू बिकमिंग ए नॉलेजेबल पर्सन, और नॉलेजेबल पर्सन का नाम होता है, जैसे कि हम एक आपको करवाया भी था एरुडाइट पर्सन, याद है जब शुरू शुरू में कराया था एरुडाइट, नॉलेजेबल मैंने आपको बताया था उसका मीनिंग, पेडेंटिक पर्सन, ठीक है ना, इफ यू रिमेम्बर दीज थिंग्स। ओके मेथड याद है अभी कि भूल गए हैं? अगर पूछू कुछ बताइए जी, फिर थर्ड गवर्नर जनरल कौन था हमारा? वो वॉज द थर्ड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। वेरी गुड, फिफ्थ। अरे भैया कॉर नहीं है, कॉर्नवालिस है। फिफ्थ कौन सा था? ए बी सी डी ई, ई श्रुति ई, वेरी गुड बिंदु क्लार्क, ठीक है। विच इज द सिक्स्थ हाईएस्ट पीक? सिक्स्थ, अरे वो फाइव था बेटा, वेरी गुड कमल मीनू, नॉट रचना मलाकू नहीं है, छह की तरह नहीं थे हमने वो बनाई थी हॉकी स्टिक, हॉकी स्टिक से चोर यू, वेरी गुड 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 गुड। तो दिस इज, अगर आप इसको थोड़ा भी रिमेम्बर करोगे तो यू कैन इजिली देखोगे आपकी कितनी ब्रेन की कैपेसिटी है, बस आपको कराया इस तरह से नहीं जाता, ठीक है। तो वी विल डू दीज थिंग्स, और इसको आगे और एक्सप्लोर करेंगे हम आगे जाके। पहले मैं आपको बेसिक्स करवा दूं, इसके बाद मैं इसी तरह के ना हम एक सेशन लेंगे पूरे का पूरा, जिसमें मैं आपको साइंस अटैक के जैसे फिजिक्स का जितना भी पढ़ा हमने उसके कंसेप्ट कराऊंगा, एक टेबल बनाएंगे हम सारे बैठ के कि कितना कितना पढ़ा है, ठीक है। टेस्ट की तैयारी चल रही है ना बेटा? ठीक है, बेटा उनका कोई तरीका और है, मेरा कुछ तरीका और है, ये मेरा अपना पर्सनल वे है याद करने का, तो हो सकता है उनका कोई और मेथड हो, बट मैंने तो ऐसे याद किया और मैंने तो ऐसे आंसर लिखा था, और मैं तो इसी तरह से इसी का यूज करके ही मैं पास हो गया था सीएपीएफ में आराम से, ठीक है ना। तो कुछ ज्यादा चीज नहीं की, आई ओनली स्टडीड फॉर 3 मंथ्स, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, ठीक है ना। चलो अच्छी है, बात है बेटा, वी विल डू समथिंग अबाउट इट। मेरे पास बेटा टाइम नहीं होता, नहीं तो मैं आपको अच्छे से करवाऊंगा ये सारा कुछ। वी आर थिंकिंग कि एक और क्लास लूं मैं आपकी, वी विल वर्क समथिंग आउट। ओके यस, हाँ मैं तो मजे कराता हूं ना। माई ओनली मेथड इज कि आपको वो चीज याद रहे किसी ना किसी तरह से, और अगर आपको मैं जैसे रिपीट कराता रहता हूँ, आज हमने कम से कम 2 महीने बाद इसको रिपीट किया, यू स्टिल रिमेम्बर्ड, 90% ऑफ द यू रिमेम्बर्ड, ठीक है ना। जो 10% है उनको मैंने अब रिवाइज करा दिया है, ठीक है ना, उनको अब ये भूलेगा नहीं, दिस इज द मेथड एक्चुअली, ठीक है। मैंने आपको बताया था एक सातवें दिन पहले दिन होता है, सातवें दिन होता है, 21वें दिन होता है और 28वें दिन होता है। अगर आप ये 4 दिनों में 4 बार इसको रिवाइज कर लो ना, सिर्फ 4 बार, यू विल नॉट फॉरगेट इट। आप रात को भी अगर आपको बुलाओ के पूछोगे ना बेटा क्या याद होता है, ग्लूटोन का क्या मतलब होता है, या ग्लूटिश पर्सन का क्या मतलब होता है, यू विल स्टिल रिमेम्बर, यू विल रिमेम्बर व्हाट इज इनर्वेट, व्हाट इज इनर्वेट, इनर्वेट इनर्वेट, एनर्जी वेस्ट, यस। इसका हमने एक और भी पढ़ा था थक्या होया, वेरी गुड 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 गुड, एनर्जी वेस्ट, वेरी गुड, एनर्जी लेस, एनर्जी होना, वेरी गुड हरमन, यू डिड एक्सीडिंगली वेल यार, बहुत बढ़िया शुभम सेठी। एग्जॉस्ट हो जाना, फटीग हो जाना, जेडेड हो जाना, याद है जडेजा डेड हमने पढ़ा था। दिस इज हाउ यू डिवेलप योर वोकैबुलरी। अब एक वर्ड के आपके पास 4 मेथड आ गए, 4 वर्ड आपको याद करा दिए, इनर्वेट बहुत ऊपर वाला वर्ड है, उससे नीचे वाला जेटर, उससे नीचे वाला एग्जॉस्ट, उससे नीचे वाला टाइम,
टायर्ड, उससे नीचे वाला फटीग। छह वर्ड याद हो गया आपको। अगर आपको कोई चीज बंदे को बताना, यार आर यू फीलिंग जेडेड, आर यू फीलिंग फटीग्ड, आर यू फीलिंग इनरवेट, आर यू फीलिंग टायर्ड, तो कितने वर्ड आपके पास, समझ रहे हो। प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, जब आप ऐसे लिखते हो तो यही चीजों को, एक चीज आपको आती होती है टायर्ड टायर्ड टायर्ड, तो सारा जगह पे आप टायर्ड ही लिखते रहते हो उसको। मैंने आपके आंसर चेक किए हैं, यू ओनली डू रेपिटेशंस, और रेपिटेशंस के बहुत मार्क्स कटते हैं बेटा, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू यू नो इम्प्रूव अपॉन एवरीथिंग, यू बिल्ड अपॉन एवरीथिंग। जैसे हमने फिजिक्स की आधारशिला रखी है, आज हम बायोलॉजी की आधारशिला रखने जा रहे हैं, तो आज हम पहले कर ले थोड़ा सा काम, बाद में करते हैं ये बातें, ठीक है जी। चलिए जी, आपका अगले 2 दिन भी क्लास है, ठीक है जी, तो पूरा करना है हमने काम, ठीक है जी। चलिए, इसकी स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, इतना ही काफी है, इसमें कोई और बड़ी बात बनने मैंने लिखी नहीं कि हीट शील्ड होएगी। हीट शील्ड क्या होती है, मैंने बताया था आपको कि सूर्य की किरणें आएंगी उसको जला देंगी, उसके ना हो ऐसा। इकोनॉमी, इकोनॉमी की इकोलॉजी, या बायोलॉजी, बायोलॉजी, इट्स बायोलॉजी, इट्स बायोलॉजी। तो बायोलॉजी के बारे में भी आपको थोड़ा बताना है, सॉरी, तो अगर मेरे से कुछ और निकल गया होगा मुंह से। इकोनॉमीज, इकोनॉमी नहीं, कल आप नेक्स्ट, आपका बायोडाइवर्सिटी आई थिंक सर ने जो बनाया, चेक इट आउट। चलिए, क्योंकि इसको 13,000 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर को झेलना है बेटा, तो इसको कुछ इस तरह से बनाया गया है कि इतना ज्यादा मानवी, कौन सा, आपने क्लास नहीं लगाई बेटा, आपको मैं मानता हूं कि एक एक ना आप ऐसे करो, जो बच्चे नए हैं या जिनको फर्स्ट या सेकंड लेक्चर दोबारा से लगाना है, जिन्होंने नहीं लगाया है, दे कैन ऑलवेज, आप एक ग्रुप में आप मेरे को अपना, मेरे को पर्सनल मैसेज कर दो, या मैम को पर्सनल मैसेज कर दो एक बार, ठीक है, कि हमें इंट्रोडक्टरी क्लास नहीं हुई है, हम इंट्रोडक्टरी क्लास लगा दी जाए, तो आई विल मैनेज सब, ठीक है, एक दिन आपकी क्लास ले लूंगा। ओके जी, आगे चलते हैं हम, वी मूव ऑन टू दिस। फॉक्सी मिशन क्या है, फॉक्सी मिशन आपको पता होना चाहिए, फॉक्सी मिशन का मतलब है फोकसिंग ऑप्टिकल एक्सरे सोलर इमेजर। ये क्या है, नासा के द्वारा बनाया गया एक साउंडिंग रॉकेट मिशन है। इसका क्या मतलब होता है, जैसे कि रॉकेट के ऊपर मैंने जो चाहिए मेरे को, जो भी सैटेलाइट है, जो भी मेरा इक्विपमेंट है, जो भी मेरा मशीन है, उसको ऊपर लगा के मैंने रॉकेट के ऊपर भेज देनी है। ऊपर ये कहां तक ऊपर जाएगी, ये मेरे को जाएगी अर्थ के एटमोसफियर के ऊपर, यानी कि 300-400 किलोमीटर के ऊपर जाएगी, ठीक है। इसके अंदर जो ऐसा करके मशीन बनी है, इस तरह से ऐसे इंस्ट्रूमेंट लगे हैं जो सारे के सारे डाटा करेंगे, और बाद में वो आंसर लेके नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। देखो क्यों, क्योंकि अर्थ के ऊपर बहुत ज्यादा आपके पास फिल्टर्ड लाइट पहुंचती है। मैंने आपको बताया था कि आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है पूरे का पूरा, है ना, उसका कुछ प्रकार ही 400 से 700 नैनोमीटर ही आपके पास पहुंचता है, बाकी सारा का सारा क्या होता है, आइदर रिफ्लेक्टेड, रिफ्रैक्टेड, स्कैटर्ड या रिफ्लेक्टेड बैक, ये सारा कुछ किया हमने, है ना। तो सिर्फ अगर हम बात करें कि सूर्य का अगर 100% बिजली देता है, सॉरी 100% अगर वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भेजता है, तो 50% तो पहले बाहर निकल जाती है, ठीक है। इसमें कौन कौन सी बाहर निकल जाती है, सारी की सारी जो आपकी जो कॉस्मिक रे है, गामा रे है, आपका एक्सरे है, अल्ट्रावायलेट है, ये फिल्टर होके आती है सारा कुछ। आपके पास जो फाइनल पहुंचता है वो सिर्फ विजिबल राइट रे पहुंचती है और रेडियो वेव्स पहुंचती है, लग रही समझ। तो अगर आपको इनकी देखना है कि भाई अगर कोई फ्लेयर आया है कि नहीं, और सस्ते तरीके से देखना है, तो एक राउंड एक एक रॉकेट बनाओगे, रॉकेट के ऊपर एक आप अपने यंत्र डालोगे, ठीक है, इक्विपमेंट रखोगे, और जो भी आपने मेजर करना है वो वाला मशीन रखोगे, रॉकेट से ऊपर भेजोगे, वहां पे वो इक्विपमेंट देखेगा, वहां पे वो सारे का सारा डाटा लेगा और नीचे आ जाएगा, ठीक है जी, एक्सरे को क्या कहते हैं डिटरमिन करने के लिए बनाया गया, ठीक है। नैनो फ्लेयर्स को ये डिटेक्ट करेगा, ठीक है जी। ये हमें नेकेड आइट से नहीं देखते हैं, ये आपको तभी देखते हैं जब सोलर फ्लेयर होगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया था, ये बहुत ज्यादा ज्यादा हानिकारक हो सकते हैं हमारे एस्ट्रोनॉट्स के लिए, इसीलिए इन पे रिसर्च करना जरूरी है, ठीक है जी। तो फॉक्सी मिशन इज अगेन ए नासा मिशन, इट्स नॉट ए यूरोपियन स्पेस एजेंसी मिशन। किसके लिए, बेसिकली टू डिटेक्ट नैनो फ्लेयर्स, ठीक है, बस इतना। 3-4 चीजें, बहुत ज्यादा चीजें याद नहीं रखनी, क्योंकि याद रख ही नहीं पाओगे, ठीक
कुछ याद रखनी है, जैसे ये नासा का है कि नहीं, ये यूरोपियन एजेंसी का है कि नहीं, क्या ये डिटेक्ट करेगा, कैसे ये डिटेक्ट करेगा, बस तीन चीजें, ज्यादा नहीं। उसी तरह आगे चलते हम, जैसे कि नेक्स्ट हमारे पास है, लेट मी शो यू, इनसाइट मिशन। ये मिशन जो है ना, आप नासा की उस पे वेबसाइट पे जाना या विकिपीडिया पे जाके चेक करना नासा मिशंस, तो वो सारे खोल देगा। व्हाट आर न्यू होराइजन मिशन है, फिर हमारे पास वॉयेजर मिशंस है, फिर हमारे पास इनसाइट मिशन है, तो ये सारा कुछ आपको पता होना चाहिए। क्यों? अब मैं यहाँ पे कैसे क्वेश्चन डालूंगा, मैं क्वेश्चन भी बना देता हूँ, देखो कोई टाइम नहीं लगता। यहाँ पे मिशन डाल दूंगा, नासा मिशन, ठीक है, ये किसके लिए, पर्पस क्या है उनका, ठीक है। फिर मैं डालूंगा इनसाइट मिशन, ठीक है, फिर मैं डालूंगा फॉक्सी मिशन, फॉक्सी जो अभी हम पढ़ के आए हैं, ठीक है। फिर आगे हम जो पढ़े जाए न्यू होराइजन, ठीक है, साथ साथ में लिख दूंगा ये है विनस के लिए, ये है मार्स के लिए, ये है हीलियोस्फीयर के लिए, ऐसे करके। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच्ड, ठीक है। तो व्हाट यूपीएससी इज वांटिंग फ्रॉम यू, या क्या वो चाहती है आपसे, बेसिकली ये है, आपको पता है ये कौन सा मिशन है, ये किसके लिए मिशन है। यस बिंदु, ऐसे करके हमेशा जब आप कोई चीज पढ़ते हो ना, क्योंकि अगर मैं आपको ये स्लाइडें देता रहूंगा और आप पढ़ते रहोगे, आपने इनसाइड मिशन के बारे में ही पढ़ना है, आपको ये याद कर लिया, 2 दिन बाद खत्म हो जाना है। अगर आप क्वेश्चंस बना के पढ़ोगे इस तरह से, तो मैं आपको गारंटी देता हूं बेटा, आप कभी कंफ्यूज ही नहीं होंगे, ठीक है। आप किसी का ना, किसी भी चीज का सिर पैर जरूर पकड़ोगे, और यही यूपीएससी चाहती है आपसे, टू डेवलप लेटरल थिंकिंग। आपके पास इतनी नॉलेज जरूर हो कि अगर आपको कोई चीज बोल दे जाए ना, तो आप उसका सिर या पैर जरूर पकड़ लो। अगर सपोज आप एक ब्यूरोक्रेट हो और एक आप साइंस की गैदरिंग में जा रहे हो, फिर आप ये नहीं बोलोगे जी गौमूत्र से आप ये ठीक कर लोगे, गौमूत्र से आप वो ठीक कर लोगे, समझ रहे हो। तो कहीं ना कहीं आप जाते हो एक 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 साइंस की एक बहुत बड़ी इंस्टीट्यूट में जाते हो, वहां पे जाके आपको भाषण देना है, आप ये मत बोलोगे ना, फिर ये चीजें नहीं बोलोगे, क्योंकि अगर आप ये चीजें बोल रहे हो तो यूपीएससी पे बैड रिफ्लेक्ट हो रहा है, समझ रहे हो। आप अपनी इज्जत नहीं खराब कर रहे हो, आप यूपीएससी की इज्जत खराब कर रहे हो। तो यूपीएससी चाहती है कि एटलीस्ट अगर हम कोई अगर आईएएस ऑफिसर बना रहे हैं हम उस बंदे को, तो उसको सिर पैर पकड़ना आना चाहिए किसी भी चीज का। इतना आपको तभी इकोनॉमी के बारे में बताया जाता है, इतना आपको तभी साइंस एंड टेक के बारे में बताया जाता है। और इस बार आपने पेपर देख ही लिया, 35 क्वेश्चन आए थे साइंस एंड टेक और इकोलॉजी को मिला के। तो दिस इज व्हाट यू नो योर यूपीएससी इज वांटिंग फ्रॉम यू, कि भाई आप में ये स्किल डेवलप होने चाहिए, ठीक है जी। थैंक यू बेटा, थैंक यू। चलिए जी आगे चलते हैं, थैंक यू हरसिमरन। तो आगे चलते हैं, तो जो बेसिकली इनसाइट मिशन है, ये क्या मिशन है, ये एक रोबोटिक एक्सप्लोरर है टू मार्स पे, ठीक है जी। ये क्या करेगा, रोबोटिक एक्सप्लोरर है, ये लैंड कर चुका 2018 में। ये बेसिकली क्या करेगा, वहां पे जाके ये सीस्मोग्राफ डाटा जो है वो लेगा। व्हाट इज सीस्मोग्राफ, जो अर्थक्वेक का डाटा होता है ना वो लेगा। अर्थक्वेक करने का क्या फायदा, अब ये बताओ मेरे को, अर्थक्वेक समझने का क्या फायदा अर्थक्वेक से। ये देखो, जैसे ये जो आपका है, ये एक रोबोट है और ये रोबोट की तरह ही एक्ट करेगा, ये देखो ये वाला, इस पे बहुत, सिर्फ एक नहीं है कि बहुत सारे। ये क्या करेगा, ये जमीन के अंदर ड्रिल करेगा, ये देखो ड्रिल कर रहा है, और ड्रिल करके मार्स की जो अंदर की गतिविधियां हैं उनको पहचानने की कोशिश करेगा। दिस इज मार्स इनसाइट प्रोग्राम, ठीक है जी, ओके। तो ये सारा क्या करेगा, और सिर्फ एक ही चीज नहीं है, बहुत ज्यादा इस पे है, ये आपके पास पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन यार मैंने आपको यहाँ पे दी हुई है, देखो पढ़ लेना इसके ऊपर। तो नासा का डिस्कवरी प्रोग्राम का हिस्सा है, देखो ये आपको याद करना, किस प्रोग्राम का हिस्सा है, ये मिशन है। यहाँ पे मैं प्रोग्राम भी देख सकता हूँ, जैसे कि डिस्कवरी प्रोग्राम, ठीक है जी, नासा डिस्कवरी प्रोग्राम, ठीक है, यहाँ पे पर्पस लिख दूंगा, लग गई समझ। तो 1992 में इसका जो जो अभी 2018 में हमने रिलीज किया, उसकी जो परिकल्पना थी वो 1992 में हो चुकी है। तो दिस यू शुड नो, दिस इज हाउ यू शुड मेक नोट्स। बाकी ये कहाँ पे लैंड हुआ, ये क्या करता है, ये क्या नहीं करता, इतना ज्यादा दिमाग में नहीं रखना। किसके लिए मिशन है, किसके द्वारा बनाया गया है, किस प्रोग्राम या मिशन का ये हिस्सा है, इसका मेन काम क्या है, चार चीजें।
अपने दिमाग में अपनी तरफ से बना लो मेरे को क्वेश्चन, अपने वर्ड्स में बना लो, कोई इशू नहीं, पर पेपर में क्वेश्चन इसी तरह से आएंगे, ठीक है? आप पेपर उठा के देख लो 2015 के बाद से, ठीक है जी? क्या कब बना बेटा? 2018 में लॉन्च कर दिया गया था, ठीक है? अब वहां पे मार्स के सरफेस पे आई, यह है इनसाइट मिशन। इसका मेन काम क्या है? सीस्मोग्राफिक डाटा लेना है। सीस्मोग्राफिक डाटा का मतलब होता है जैसे कि हमारे अर्थ में यहाँ पे भूकंप आते हैं, है ना, तो उसके लिए हमारे पास सीस्मोग्राफ होता है कि जिसमें आपको पता चल जाता है। उसी तरह अगर हम मार्स के अंदर धरती में अंदर कुछ लेके जाएंगे या कुछ वो एक्सपेरिमेंट करेंगे या उसके अंदर कोई प्रोब लेके जाएंगे, तो वो हमें बताएगा कि ये धरती किस तरह की है, यहाँ पे कौन से मिनरल है, यहाँ पे कौन सा डाटा है, क्या यहाँ पे लावा है कि नहीं है, क्या यहाँ पे अर्थक्वेक आते हैं कि नहीं है, ठीक है ना? तो किस तरह की इसका जियोलॉजी है, जियोडेसी है जिसको बोलते हैं, ठीक है? तो वो चीजें ये पता करेगा, ठीक है? और कौन कौन से मिशन है मार्स पे, ये भी आपको पता होना चाहिए, जैसे कि मेवन मिशन है, मून मिशन है, मंगलयान जिसका नाम है वो, पाथफाइंडर है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है? तो अब ये मार्को मिशन क्या है? मार्को का मतलब है मार्स क्यूब 1। क्यूब पता है क्या होता है? क्यूब, क्यूब सैट्स आपको मैंने बताया था, जो 1 kg के नीचे नैनो सैटेलाइट्स होते हैं, इनका ये मतलब होता है, ठीक है? मार्को मिशन बेसिकली क्या है कि आप छोटे छोटे जो है सैटेलाइट्स भेजो वहां पे मार्स में, क्यों? क्योंकि ये किफायती है। अगर आपका काम डाटा लाना ही है, ठीक है ना, तो आप छोटे छोटे 10, आप 1000 भी भेज सकते हो मार्कोस, क्योंकि उनका ओवरऑल वेट कितना होगा? 1000 kg, अगर ज्यादा से ज्यादा हुआ भी, रैदर देन एक सिंगल सैटेलाइट वहां तक भेजना, आप क्या भेजो 1000 सैटेलाइट भेज दो, ताकि उनके ऊपर वो हर चीज के ऊपर वो डाटा इकट्ठा कर सके, ठीक है? तो ये नैनो सैटेलाइट की तरह एक मिशन है, मार्को मिशन, क्यूब 1 मिशन, ठीक है जी? ऑफर न्यू पॉसिबिलिटीज फॉर फ्यूचर मिशन, ये बहुत है, इसको पढ़ लेना क्या होता है, ठीक है? मार्शियन सरफेस। चलिए आगे चलते हैं हम, बस आज हम बस इतना ही करेंगे, थोड़ा सा और करके फिर हम वी विल स्टार्ट अवर बायोलॉजी क्लास, थोड़ा उसके बारे में। पर्पस इसका कुछ नहीं है, डाटा गैदरिंग है बेटा, कि भाई कि उसकी सरफेस कैसी है, किस तरह का वहां पे सैंपल होता है, ये सारा कुछ, ठीक है? तो क्यूरियोसिटी मिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यूरियोसिटी मिशन भी एक नासा का मिशन है, ठीक है? किसके लिए है? मार्स के लिए है। ये ऑलरेडी 2011 में लैंड कर चुका है, मार्स एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम है, ठीक है जी? टू असेस वेदर एवर हैड ए एनवायरमेंट एबल टू स्मॉल स्मॉल लाइफ लाइक माइक्रोब्स। अच्छा, ये करने के लिए, हाँ पता है बेटा मेरे को यार, क्या क्या करते हो अरविंद यार, तुम्हें मेरे को पता है सोफी, आई नो इट्स क्लास, अभी कितने बजे हैं बताओ मेरे को? 11 ही बजे है ना, 11:05 हुए हैं, तो अभी 25 मिनट है बेटा, उतनी तो लगा लो। अगर इफ यू आर फीलिंग बोर्ड यू कैन ऑलवेज लीव द क्लास, इट्स अपॉन योर प्रेरोगेटिव, इट्स नॉट ऑन माई कॉन्शियंस, ओके? सो मूविंग ऑन, द रोवर विल एनालाइज सैंपल्स, ठीक है जी? जो सॉयल वहां पे होगी ड्रिल करेगा, क्या कार्बन में है कि क्या है, या कभी यहाँ पे कभी लाइफ हो थी या नहीं है, वो आपको पता चलेगा इन इन इस मिशन से, ठीक है जी? तो क्यूरियोसिटी मिशन इज अगेन फॉर नासा, ठीक है? बाकी जैसे इसी तरह से और बाकी मिशन है, यू कैन ऑलवेज चेक अपॉन द नासा की साइट पे, ठीक है? ये कौन सा क्यूरियोसिटी मिशन हो गया, एक मेवन मिशन है, MAVEN, वो भी मार्स के लिए ही है, वो आपको पता होना चाहिए। लेट मी शो यू, हाँ लेट मी शो यू, ओके, ठीक है, ओके। तो ये आपकी टोपोग्राफी को भी ढूंढने में हेल्प करेगा, किस तरह की टोपोग्राफी है वहां पे। टोपोग्राफी होती है कि वहां पे प्लेट्यू है, मीसा है या बूट है, वो ढूंढने में आपकी हेल्प करेगा, BUDDE, बूट। एक एस्पायर प्रोग्राम भी है हमारे पास, ये क्या है? एडवांस्ड सुपरसोनिक पैराशूट इन्फ्लेशन रिसर्च, ये भी मार्स के लिए ही है, ये आपको पता होना चाहिए कि वहां पे एटमोसफियर है। मैंने आपको बताया था कि मार्स पे एटमोसफियर है, तो हम सोच रहे हैं कि अगर हमें कोई चीज वहां पे लैंड करवानी है, तो हम वहां पे पैराशूट किस तरह से डिप्लॉय करने पड़ेंगे, कितनी हाइट पे डिप्लॉय करने पड़ेंगे, कैसे डिप्लॉय करने पड़ेंगे, तो ये जो है 20 में लॉन्च होने वाला है अभी, ठीक
ठीक है, एस्पायर मिशन, इसके बारे में आप नेट पे भी सर्च कर सकते हो। तो बेसिकली ये क्या है कि पैराशूट इन्फ्लुएंस रिसर्च है एक तरह की, क्योंकि कल हमें वहां पे बंदे भी उतारने हैं, कॉस्मोटोलॉजिस्ट या एस्ट्रोनॉट्स भी उतारने हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि हम किस तरह से सस्ते तरीके से और अच्छे तरीके से और सेफ तरीके से हम एस्ट्रोनॉट्स को वहां तक पहुंचा सकते हैं। तो ये एस्पायर मिशन क्या करेगा, ये बहुत सारे जो सैटेलाइट्स हैं उनको नीचे वहां पे अच्छे तरीके से मतलब क्या करेगा, नीचे करने की कोशिश करेगा, ड्रॉप करने की कोशिश करेगा। जी, चलिए आगे चलते हैं फिर। समहाउ द स्लाइड्स आर वेरी स्लोली अपलोडिंग, पता नहीं क्या चक्कर है, लेट मी चेक इट, क्या हो गया इसको, लेट मी चेक, एक मिनट बताइए। लेट मी चेक इट। जी, एक मिनट बेटा, कर रहा हूँ वो, वही कर रहा हूँ। समहाउ ना ये सिस्टम में बड़ा धीरे धीरे से अपडेट हो रहा है, आई एम नॉट श्योर क्यों हो रहा है, ऐसे नीचे नहीं जा रहा अभी, एक मिनट। तो बाकी जो होगी स्लाइड बेटा, आई विल शो इट टू यू, ठीक है ना, मैं आपसे शेयर कर दूंगा। लेट्स स्टार्ट अवर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, लेट्स स्टार्ट बायोलॉजी। जो भी इसके लाभ है वो आपको खुद भी कर सकते हो, खुद सर्च करने की कोशिश करना। आई विल शेयर द स्लाइड्स विद यू, ठीक है, एक मैं पीडीएफ फाइल में आपको शेयर कर दूंगा, जो भी होगा। बाकी तो आपने पढ़ नहीं है, बेसिकली जो इसमें कंसेप्ट है वो मैंने आपके क्लियर करा दिए सारे के सारे। तो लेट्स स्टार्ट बायोलॉजी फर्स्ट, ठीक है जी। तो बायोलॉजी में हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सेलुलर बायोलॉजी फर्स्ट, इंग्लिश स्लाइड। टोबैको फार्मिंग को खोजने, हाँ यस, इलीगल, आफ्टरनून हो गया, मॉर्निंग होना चाहिए अभी, तो इज मॉर्निंग, ठीक है। सो कोई बात नहीं सोफिया। जो ये इसरो है ना हेमराज, वो बहुत चीजों में हेल्प कर रहा है, यू कैन ऑलवेज कोट इट, ठीक है ना। अगर आपको स्पेसिफिकली कुछ पता है या आपने न्यूज देखी है तो इस तरह से आप टेक्नोलॉजी में आप कर सकते हो, बिल्कुल बिल्कुल जी कर सकते हो। तो आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले सेलुलर बायोलॉजी के बारे में, ठीक है जी। तो सेलुलर बायोलॉजी क्या होती है, बायो की बुक भी बेटा सेम ही है लखमीर सिंह मंजीत को, और अगर आपके पास है तो यू कैन ऑलवेज बाय दैट, है तो ठीक है, नहीं तो आप बाय कर सकते हो, ठीक है। तो सेल ऑर्गेनलीज के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्या होती है सेल ऑर्गेनलीज, सेल क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेल सेल, ठीक है, सेल कैसे बना, सेल व्हाट इज यूनि सेलुलर सेल, व्हाट इज मल्टी सेलुलर सेल, और सेल कैसे एक आधारशिला बनी। जब मैंने आपकी फर्स्ट क्लास ली थी फिजिक्स की, तब मैंने आपको बताया था कि भाई एक आधारशिला होती है जिसके ऊपर सारी की साइज वो वाली टिकी होती है, ज्यादा याद है, यस बेटा। अगर आपके कंसेप्ट्स बेसिक्स क्लियर हैं, यू कैन ऑलवेज स्टडी फ्रॉम प्लस टू एनसीईआरटी और प्लस टू एनी बुक, ठीक है। तो सेल जो है वो मैंने आपको फिजिक्स के बारे में बोला था, फिजिक्स में हमने बात की थी कि दो चीजें होती हैं जी, लेट मी शेयर इट विद यू, दो चीजें होती है फिजिक्स में। फिजिक्स में हमने पढ़ा था कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। तो फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में हमने पढ़ा था, है ना, ओके। उसके बाद जैसे अगर मैंने बोला कि भाई सेल बायोलॉजी में आते हो, तो बायोलॉजी में एक ही चीज है जो आपकी सेल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, वो है आपका सेल। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, इसका मतलब हमें समझना जरूरी है, ठीक है, ताकि आपको बाद में पता चलेगा कौन कौन सी इस पे एडवांस टेक्निक्स कैसे बेस्ड होते हैं, जर्म सेल टेक्निक्स कैसे बेस्ड होती हैं। तो जो स्ट्रक्चरल है कि मतलब ये आधारशिला है, ये सबसे छोटा यूनिट है जिसको हम लिविंग मानते हैं, ठीक है, कि दैट कैन प्रोड्यूस अ फंक्शन ऑफ लिविंग। और लिविंग किसको बोलते हो, इसको भी डिफाइन करना आना चाहिए, किस
चीज को आप बोलोगे कि ये जिंदा है। हम जिंदा क्यों है? बिकॉज वी रेस्पायर, ठीक है, वी डू मेटाबॉलिज्म, वी रिप्रोड्यूस, वी मेंटेन होमियोस्टेसिस, ठीक है। ये आप पढ़ेंगे क्या चीजें होती हैं। हम सांस लेते हैं, हम खाना खाते हैं, हम डाइजेशन करते हैं, हम मेटाबॉलिज्म करते हैं, हम एनर्जी पाते हैं वहां से। तो ये सारा कुछ हम पढ़ेंगे। तो सेल एक ऐसी चीज है, एक तो जो आधारशिला है दैट इज द स्ट्रक्चरल यूनिट एंड द फंक्शनल यूनिट। इसके नीचे कोई भी चीज हम लिविंग नहीं मानते हैं, ठीक है जी। बिल्कुल निर्जीव चीजें हैं, ठीक है ना। तो ये जो है ये लिविंग थिंग्स है, ये जीवित चीजें हैं, ठीक है ना जी। आगे चलते हैं, लेट्स डिफाइन फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज सेल एंड देन वी विल मूव ऑन टू व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ दीज सेल्स, ठीक है ना। ओके, जी। तो सबसे जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है हमारा सेल्स का, दैट इज द स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट, ठीक है, ओके। तो इसके अलावा जी, तो स्मॉलेस्ट यूनिट है और माइक्रोस्कोपिक होता है। माइक्रोस्कोपिक का मतलब होता है कि ये आपको आंखों से नहीं दिखेंगे, नेकेड आई से नहीं दिखेंगे, ये आपको कैसे दिखेंगे, यू विल सी देम एज माइक्रोस्कोपिक यूनिट्स, ठीक है ना। तो स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट है। लिविंग यूनिट में क्या मतलब होता है, लिविंग का क्या मतलब होता है, ये मैं आगे जाके आपको बताऊंगा, ठीक है जी। आगे चलते हैं, तो व्हाट इज हु डिड द डिस्कवरी ऑफ सेल। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो आपने ये कलर देख रहे हो, अगर आप ओनियन की पी देखते हो ना, कभी आपने प्याज छीला हो, तो अगर आप प्याज छिलके को अगर आप माइक्रोस्कोप में रखोगे तो आपको इस तरह का दिखेगा, उसमें इस तरह के सेल दिखेंगे। वेयर इज द सेल, सेल इज हियर। ये देखो, ये एक एक कमरा जो है, सेल का मतलब भी कमरा होता है। तो रॉबर्ट हुक, जिसको फादर ऑफ साइटोलॉजी बोला जाता है, तो बेसिकली उसको उसने क्या किया था कि जो ये शैंपेन की बॉटल्स होती है ना, उसका ऊपर वाला ढक्कन होता है, कॉर्क बोलते हैं उसको, कॉर्क, उसने उसको काट के ना और माइक्रोस्कोप के अंदर नीचे रख के देखा और उसको लगा कि ये जो है ये कमरे हैं, क्योंकि वहां पे उस टाइम पे ब्रिटिश लैंग्वेज में कमरों को बोला जाता था सेल, ठीक है ना, एम्प्टी रूम्स को बोला जाता है सेल, ठीक है ना। तो सेल का उसने इसका नाम जो है कॉइन एक टर्म की उसने की कि ये मेरे को सेल की तरह लग रहे हैं, एम्प्टी रूम्स की तरह लग रहे हैं। पर ये बाद वाली जो सेल है, बाद वाले जो स्टडीज है, बाद वाले जो माइक्रोस्कोप से, बाद वाले जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने हमें बताया कि भे ये एम्प्टी सेल्स नहीं है, ये कौन से होता है, टेंथ में किया था। यस बेटा, उसी को हम और आगे बढ़ाएंगे ताकि आपकी लेटरल थिंकिंग भी डेवलप, ठीक है ना। देखो बेटा, मैं करा तो ये एक दिन में भी सकता हूँ, ठीक है, आप मेरे को 2 घंटे दे दो, आई विल फिनिश 50% ऑफ द बायोलॉजी, बट दैट विल नॉट डेवलप योर लेटरल थिंकिंग, ठीक है ना। तो आपके साथ रिलेट करना पड़ता है, हर चीज को रिलेट करके पढ़ो, हर चीज की एप्लीकेशन पढ़ो, ठीक है। हमने इतना कुछ पढ़ा याद है, अगर मैं कराता तो आपको ऑप्टिक्स उप्टिक्स को छोड़ो, बात की बातें, मैं सीधा आपको कराता भाई यहां से, एक्चुअली जो पार्ट शुरू होता है दैट इज पीएसएलवी जीएसएलवी, ठीक है, वहां से कराना चाहिए था आपको। बट कुड यू नाउ रिलेट हाउ द ऑर्बिटल वेलोसिटी वेरीज और द सेंट व्हाट आर द सेंट्रीपेटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस, ठीक है ना। तो ये चीजों को आप रिलेट कर पाते हो, पीएसएलवी जीएसएलवी के साथ रिलेट कर पाते हो, ये होता है लेटरल थिंकिंग डेवलप करना। और उसको अब आप टेस्ट से देख रहे हो, टेस्ट जो हमने ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वेस जो सैटेलाइट हमने भेजा है, वो उससे रिलेट करके देखो, उसको रिलेट करके देखो लीगो के साथ, इंटरफेरोमीटर के साथ, है ना, ये सारी कुछ रिलेशन में है। और अगर आपका बेस नहीं तैयार होगा ना बेटा, तो ये सब आपको डिफिकल्ट लगेगी। और जो इस बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछे हैं वो है प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर। यू नो व्हाट इज न्यूक्लियर ट्रांसफर या न्यूक्लियस ट्रांसफर? जब आपको न्यूक्लियस का ही नहीं पता है या न्यूक्लियस के अंदर कैसी चीजें होती हैं वो नहीं पता है, व्हाट इज डीएनए, व्हाट इज आरएनए, व्हाट इज डबल हेलिकल, व्हाट इज सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर, यू विल नॉट अप्रिशिएट व्हाट इज प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन यूपीएससी ने 2020 में अभी पूछा बेटा, जो अभी जो पेपर हुआ 4 तारीख को। बताओ क्या एक नॉर्मल बनता, और क्या इवन इवन जिसने मेडिकल भी पढ़ा है, जिसने प्लस टू तक पढ़ी भी है, तो क्या वो इसको क्वेश्चन कर पाएगा? नहीं, ये तो प्रॉपर जेनेटिकल का, जेनेटिक्स का क्वेश्चन, प्रॉपर जेनेटिक्स का, ऐसे भी नहीं कि भाई पढ़ के चले गए, प्रॉपर जेनेटिक्स का, यानी कि ये पीएमटी लेवल का क्वेश्चन, ठीक है जी। तो यू शुड अप्रिशिएट कि भाई इतना ज्यादा पूछ रही है यूपीएससी,
यू शुड नो, पढ़ा है तो दैट्स वेरी गुड। कहाँ पढ़ा है संकेत, कहाँ पढ़ा था, कौन से चैप्टर में? रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, यस, इसमें होगा, हम वहां पे भी जाएंगे। तो यू शुड नो कि हर एक चैप्टर में क्वेश्चन पूछ रही है यूपीएससी। यूजुअली क्या होता था कि बायोलॉजी को लोग छोड़ के जाते थे कि छोड़ो यार इससे क्या आना है, इट इज नॉट पेइंग इनफ। तो यूपीएससी हर चीज को आपको बोल रहा है कि एम्फोसिस दो हर चीज के ऊपर। चलिए अब आगे होता है कि जब सबसे पहले जो आई हमारे पास प्लस टू में पढ़ा है, हाँ पढ़ा होगा, पढ़ना है प्लस टू में पढ़ा है सर। अच्छा ठीक है, बायो इज इंटरेस्टिंग, बायो सो इंटरेस्टिंग। तो आपको बताया स्टोर रूम या चैम्बर के रूम, एम्प्टी चैम्बर्स के रूप में इसको देखा गया। सबसे पहले बंदे का नाम था जिसने इसको नाम दिया, उसका नाम था रॉबर्ट हुक। 1665 में, सॉरी नॉट 1665 में ये उन्होंने कॉइन की टर्म, और उन्होंने ये वाला दिया था यूज, ये वाला किया था यूज, ठीक है। माइक्रोस्कोप देखो किस तरह से बनाया उन्होंने माइक्रोस्कोप, दिस वाज द एंशिएंट माइक्रोस्कोप, ठीक है जी। तो स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन द बॉडी, यूनिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बोला देखो। तो ये एक ऐसी चीज है जो ऑर्गेनाइज्ड है, इनमें हर एक चीजों को, हर एक कमरे में, कला एक कमरा नहीं है, इसमें बहुत सारी और चीजें भी है, सेल ऑर्गेनेलीज भी है, ठीक है, और वो एक नीट तरीके से ऑर्गेनाइज्ड है, तो उसको बोला जाता है सेलुलर सेल, ठीक है जी। ये मैंने आपको बता दिया स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग मैटर दैट इज केपेबल ऑफ कैरिंग द प्रोसेस ऑफ लाइफ इंडिपेंडेंटली, यानी कि अपना खाना वो खुद बना सकता है, खुद खा सकता है, ठीक है, उसको पचा सकता है और वहां से एनर्जी इकट्ठी कर सकता है, फिर रिप्रोड्यूस कर सकता है, और एंड में डेथ होती है उसकी सेल की। तो ये सारी स्टेजेस ऑफ, इसको बोलते हैं लाइफ की स्टेजेस। ये लाइफ को अगर वो कर पा रहा है, इंडिपेंडेंटली जी पा रहा है, तो हम उसको बोलेंगे दैट थिंग इज नोन एज लिविंग थिंग, ठीक है सेल, ठीक है जी। आगे चलते हैं हिस्ट्री ऑफ द सेल में, अगर हम पढ़ते हैं तो हिस्ट्री ऑफ द सेल में ह्यूमन ट्री एनिमल ये सारे आर, दीज आर ऑल द लिविंग थिंग्स, दैट इज द बेसिक डेफिनेशन जो हमने पढ़ी है। तो सबसे पहले बात है कि आपको ये पता होना चाहिए कि माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी किसने की थी, ये बंदे ने, एंटोन वैन ली हुक, ठीक है जी। इसने जो है वो सबसे पहले माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी की थी, तो इसने प्रोटोजोआ को देखा था, बैक्टीरिया को अपने मुंह से भी जो उसने निकाल के देखा था, स्वैब निकाल के देखा था, तो वहां पे भी उसको क्या मिले थे, बैक्टीरिया मिले थे और उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखने को मिले थे, ठीक है। रॉबर्ट हुक ने 1665 में सबसे पहले क्या बनाया था, माइक्रोस्कोप का यूज करके सेल की डिस्कवरी की थी, डिस्कवरी नहीं कह सकते हम इसको, सेल टर्म कॉइन की थी, क्योंकि सेल को तो पहले भी देख लिया था एंटोन वैन ली हुक ने, पर वो उसको सेल नहीं बोलता था, वो उसको क्रिएचर्स बोलता था, ठीक है ना। तो उसके बाद जो है रॉबर्ट हुक ने ये बनाया कि हमें कि ये क्या होता है कि कुछ लिविंग थिंग्स होती हैं, ठीक है, प्लांट टिश्यू को यूज करके उसने बताया कि प्लांट सेल में ये चीजें होती हैं। उसके बाद जो 1839 में क्या होता है, श्लीडन और श्वान दोनों जर्मन साइंटिस्ट हैं, इन्होंने एक बोटनिस्ट था एक जूलॉजिस्ट था, ठीक है जी। तो जो सेल्डन था वो श्लीडन था वो बॉटनिस्ट था, प्लांट का देखता था, और जो श्वान था वो जूलॉजिस्ट था, वो एनिमल सेल एनिमल का एक्सपर्ट था। उन्होंने कहा कि हर एक व्यक्ति है, हर एक जो यहाँ पे ऑर्गेनिज्म है, हर एक जो लिविंग थिंग है, दैट इज कंपोज्ड ऑफ एटलीस्ट वन और मोर सेल्स, या तो वो एक सेल का बना होगा या बहुत ज्यादा सेल्स का बना होगा, ठीक है। तो पहले उन्होंने प्लांट्स के भी बोला कि प्लांट्स भी हैं, एनिमल्स भी हैं, बहुत सारे छोटे बैक्टीरिया भी हैं जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं, वो सारे क्या हैं, सारे के सारे किससे बने हुए हैं, दे आर ऑल मेड अप ऑफ सेल्स। तो ये समझ लग रहा है आपको कि वो जो सेल्स हैं दे आर, बहुत सारे सेल्स मिला के एक क्या बना देते हैं, ऑर्गेनिज्म, टिश्यू बना देते हैं। टिश्यू से अब हम पढ़ेंगे ये क्या होता है, प्रॉपर टिश्यू से क्या बनता है, ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, ऑर्गन सिस्टम से एक ऑर्गेनिज्म बनता है, ठीक है ना। ये हम बात करेंगे ऑर्गेनिज्म कैसे बनता है, ठीक है जी। अच्छा, ऑल सेल्स कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। प्री एग्जिस्टिंग सेल्स का क्या मतलब है कि ये नहीं कि अपने आप ही पैदा होने लग पड़े हैं सेल्स। सेल्स किस तरह से पैदा होते हैं, जब एक सेल है वो आपस में डिवाइड होता है तो वो दो सेल बना देता है, टू डॉटर सेल्स बना देता है, ये अगर सेल्स डिवाइड होगा
तो ये डिवाइड होके या इस तरह से टूट जाएगा, या मियोसिस या माइटोसिस होगा, वो हम बाद में करेंगे क्या होता है रिप्रोडक्शन। तो टू डॉटर सेल पड़ेंगे, ये आगे जाके सेल बनाएंगे, ये आगे जाके सेल बनाएंगे, इस तरह से, ठीक है ना। तो ये क्या है कि ऑल ऑफ दीज प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ये जो सेल्स हमारे पास आज हैं, ये सारे प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से ही बने हैं। जब हम पैदा हुए थे तो पैदा होके हमारे पास कुछ सेल्स थे जहां से बने थे, ठीक है ना। और जो सारे सेल्स, जो सारी बोन स्ट्रक्चर आज हमारे पास बना है, वो उन्हीं सेल से बना है, ठीक है जी। और सारे के सारे जो वाइटल फंक्शंस होते हैं, जो डाइजेशन होती है, जो आपके पास एनर्जी अब्सॉर्प्शन होती है, वो कहाँ पे होती है? दे ऑल कम फ्रॉम दीज, विद इन दीज सेल्स। तो सेल्स के बीच में ही से ही ये सारा कुछ आता है, और ये हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन को भी आगे लेके जाता है। हेरिडिटरी का क्या मतलब होता है? यस मुस्कान, बताइए। शशांक बताइए, कोई बच्चा? या नेक्स्ट जनरेशन। तो नेक्स्ट जनरेशन मतलब हेरिडिटरी, मतलब जो आने वाली प्रोजेनी है, जो आने वाली जनरेशन हैं, उनकी तरफ जो हमारे पास लेके जाएगा ये सारी इंफॉर्मेशन, ठीक है। देखो हर एक सेल है ना, जो वो चीजें सीखता है अपने पुराने सेल से, ठीक है ना। तो इनको पता है कि ये सेल किस रूप में रहा, इसने क्या चीजों करनी पड़ेगी जो अडेप्ट कर पाएगा एनवायरमेंट को, ठीक है ना। ये सारी शिक्षा ये अगले जो प्रोजेनी है या अगले डॉटर सेल्स को भेजेगा। ये सब आपको कहाँ पे यूज करेगा या कहाँ पे आपको हेल्प करेगा? देखो जब पोलियो हुआ था, या पोलियो पोलियो कह दिया मैंने, ये स्मॉल पॉक्स था, ठीक है, या पोलियो था फॉर दैट मैटर। तो हम पोलियो पे इतना ज्यादा फोकस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पोलियो इज ए कम्युनिकेबल डिजीज, ठीक है ना। पोलियो फैलता है, जैसे अभी कोरोना फैल रहा है, ठीक है ना। बट हमने उनका तोड़ निकाल दिया। हम वो क्या पोलियो की 3 बूंदें पीते हैं, जिसको बोला जाता है 3 बूंदें जिंदगी की। हम क्या, हम हमारे पास जीरो पोलियो रिस्क है नाउ, ठीक है ना। वी आर नाउ जीरो पोलियो, हमारे यहाँ पे कोई पोलियो को केस नहीं है, एक्टिव पोलियो के केस नहीं है। इसका मतलब क्या है कि अब हमें जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर भी हम पीते हैं, फिर भी हम वो पी लेते हैं, क्या कहते हैं, जो पोलियो की ड्रॉप्स होती है। और वो करने से क्या होता है कि एक सेल को याद रहता है। हमारा मेन मतलब क्या है कि सेल की इम्यूनिटी को डेवलप कराना, ताकि वो आगे जाके ये सारी चीजें अगले सेल्स को पास ऑन कर पड़े, ठीक है ना। अब नेक्स्ट जो सेल्स, नेक्स्ट जो जनरेशन होएगी, उनके पास ये सब कुछ ऑलरेडी होगा। कहाँ से होगा? क्योंकि हमने ही उनको डेवलप कराया है ये सारी चीजें, एंटीबायोटिक्स ने। ये बात अलग है, बताया एंटीबायोटिक्स की। तो कल हम इसके आगे चलेंगे, हम पढ़ा समझेंगे कि व्हाट इज लाइफ, व्हाट इज माइटोटिक डिवीजन, व्हाट इज मियोटिक डिवीजन, ठीक है, व्हाट आर जर्म सेल्स, व्हाट आर सोमेटिक सेल्स। तो ये सारा कुछ हम कल से पढ़ेंगे। तो लेट अस मीट टुमारो ऑल्सो, ठीक है। ओके बेटा, ठीक है। ये सारी स्लाइड्स ये देख लेना, किसी के पास तो होंगी सारी की सारी स्लाइड्स। अभी तो 3-4 स्लाइड ही की है मैंने, ज्यादा नहीं है, कल फिर कर लेंगे बेटा, ठीक है। ओके जी, बाय बाय।